This देख लूंगी, conference उसमें will आपको now कोई be दर्द recorded. नहीं होगा। शुरू करो डॉक्टर नताशा, आप? ठीक है जी जी स्टार्ट करें। आपका क्या नाम है? सुग्रा। सुग्रा, आपके शोहर का नाम क्या है? आसिफ। आसिफ। शुग्रा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 43। शादी को कितना अरसा हुआ है आपके? 20-21 साल हो गए हैं। आपकी जब शादी हुई थी आपकी उम्र क्या थी, कुछ याद है? नहीं, 20 साल थी, 18-20 साल थी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपका जब सबसे पहला बच्चा हुआ था उस वो शादी के कितने अरसे के बाद हो गया था? हो गया था 2 साल बाद ही। और अब उसकी क्या उम्र है? अब तो वो जवान है। 30 साल। उसकी कोई उम्र कोई 20-30 साल के लगभग? हाँ, बच्चे 30। हाँ जी, इतना ही है। मेरी शादी को 20 साल हुए हैं, वो 18 साल का है। ठीक है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं सुग्रा? मेरे 4 बच्चे हैं। कोई हमल जाया या फौत तो नहीं हुआ कोई बच्चा? 2 हमल जाया भी हुए हैं। नहीं, कोई बच्चा फौत हुआ हो? जी ये सब बच्चे नॉर्मल हुए हैं? छोटे बच्चे की क्या उम्र है आपके? 6 साल। 6 साल। 6 साल के बाद अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ? आपने बच्चे बंद करवाए हुए? जी, बच्चे बंद कराए। आपके बच्चे बंद करने वाला ऑपरेशन कब हुआ था? वो बच्चा छोटा पैदा हुआ, उसके साथ ही मैंने करा लिया था। अच्छा, सुग्रा मुझे ये बताएं, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? कहाँ मैं पढ़ी भी नहीं हूँ। से आई हैं आप? मैं यहाँ लाहौर में है, शादमान पे। शादमान से। शादमान से आप इस अस्पताल में कब दाखिल हुई हैं? मुझे कल दाखिल हुई हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कौन से अस्पताल में दाखिल हुई हैं आप? मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में। ठीक है, और ओपीडी से दाखिल हुई हैं? जी मुझे ये बताएं, आपको ब्लड प्रेशर शुगर का कोई मसला? जी मुझे ब्लड प्रेशर का मसला। आपको ब्लड प्रेशर का मसला कब से है? छोटे बच्चे की दफाई जब हमल था उसके बाद से है, तब और हमल में हुआ शुगर? था। शुगर नहीं है। ठीक है, दिल का कोई मसला? आपके नहीं, खानदान में ब्लड प्रेशर शुगर का मसला आपके माँ बाप को या आपके बहन भाइयों को या कोई जड़ों वाली रसोली, बच्चेदानी, अंडेदानी की या फिर कोई आंतों की जड़ों वाली रसोली? जी मेरे अम्मी अबू को दोनों को ही ब्लड प्रेशर और शुगर है। अच्छा, आप सर्विसेज दाखिल किस मसले से हुई हैं? खून बहुत पड़ता है महामारी में, अच्छा, आपको ऑपरेशन माहवारी कराना। में सिर्फ खून, माहवारी में सिर्फ खून ज्यादा पड़ता है या माहवारी के दरमियान, एक माहवारी से दूसरी माहवारी के दरमियान भी बहुत खून पड़ता है? नहीं, महामारी में पड़ता बस। अच्छा, ये माहवारी में जो खून बहुत ज्यादा पड़ता है ये कब, कितने अरसे पहले की बात है, कब से शुरू हुआ ऐसे? ये तो हो गया कोई 2-3 साल। 2-3 साल। अच्छा, आपकी ये जो महामारी है 2-3 साल पहले बिल्कुल ठीक जी थी? ये खून कितने दिन चलता है आपको? 6-7 दिन, 8 दिन। और घर के बने हुए कपड़े इस्तेमाल करती हैं या बाहर के पैड इस्तेमाल करती हैं आप? घर के करती हूँ इस्तेमाल। 1 दिन में कितने कपड़े लग जाते हैं आपके? 3-4-5। भरे हुए कपड़े होते हैं, बोटियां भी निकलती हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके अंडरवियर भी खराब, अंडरवियर के बगैर आपकी शलवार वगैरह भी खराब हो जाती है? नहीं, वो नहीं होती। अच्छा, आपको रात कोट की पैड बदलना पड़ता है? नहीं, वो भी नहीं है।
अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इतना ज्यादा खून तो नहीं पड़ता कि आपके रूटीन में जो काम करने पड़ते हैं आप वो काम छोड़ देती हो, कि मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है? बस अब है ही, लेकिन ज़्यादा काम तो करना ही है ना। ठीक है, मुझे ये बताएं, 2-3 साल पहले आपकी महावारी बिल्कुल ठीक थी, तब आपकी महावारी कितने दिन की जी थी? तब भी 5-6 दिन ही थी, लेकिन तब इतनी ज्यादा नहीं होती थी। कोई लोथड़े वगैरह नहीं निकलते थे? नहीं और कितने पैड लगते थे एक दिन में? तब भी 2 से ज्यादा नहीं लगते थे। अच्छा, इस महामारी के साथ आपको कोई दर्द होता हो? जी काफी। अच्छा, ये दर्द जो है वो महामारी के दिनों के साथ शुरू होता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाता है? हाँ जी, महामारी के साथ ही होता और आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाता है? है। हाँ जी, ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि इस दौरान आपको 2-3 साल के अरसे में कोई गंदा पानी पड़ने की शिकायत शुरू हुई हो? नहीं ठीक है, बुखार वगैरह तो नहीं रहता? नहीं इस सारे अरसे में आपको पेट में कोई रसौली महसूस हुई हो नहीं या पेट बढ़ता हुआ महसूस हुआ हो? नहीं अच्छा, आप आपके वजन में कोई बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आई है? नहीं अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बहुत ज्यादा थक तो नहीं जाती हैं? बहुत ज्यादा सांस तो नहीं फूलता आपका? जी फूलता है, ज्यादा नहीं, लेकिन बस थोड़ा बहुत। ठीक है, इस 2-3 साल के अरसे में आपने इलाज तो करवाया होगा माहवारी के जो आपको ये ज्यादा पड़ती है, कोई दवाइयां ली हो, कोई किसी किस्म के डॉक्टरों के पास गई हो, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ हो? हाँ जी, मेरी रसौलियाँ बताते हैं, और अब ये कि दवाइयाँ मैंने खाई हैं, कैप्सूल खाए हैं काफी, उससे आराम आता है वक्ती तौर पर। अब मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको बस ऑपरेशन ही होगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। हाँ ठीक है, कोई लाल और सफेद रंग के कैप्सूल खाए हैं आपने? जी, और कोई आपने ऐसी गोलियां खाई हैं सुनहरी पत्ते वाली? नहीं ठीक है, आप जब वो दवाइयां खाती हैं तो आपको आराम आता है, छोड़ती हैं तो आपको फिर आराम खत्म हो जाता है? जी। आपने कोई ताकत की फौलाद बनाने वाली कोई गोलियां खाती हैं आप? नहीं वो तो नहीं, किसी ने बताई। अच्छा, मुझे ये बताएं, कोई मौसम तो नहीं तंग करता आपको? गर्मी में बहुत ज्यादा सर्दी या सर्दी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती हो, नींद ना आती हो, या फिर आपको वजन बढ़ता हुआ महसूस हो रहा हो? नहीं ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको वक्फे की गोलियां, अच्छा ठीक है, आपने तो बच्चे तो बंद करवाए हुए हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपको सबसे पहले महामारी कब आई थी, किस उम्र में आप जवान हुई थी? वो तो मुझे नहीं याद, 13 साल में जो आती है। ठीक है, आपको एक महामारी से दूसरी महामारी के दरमियान कभी खून का धब्बा भी नहीं लगा? नहीं कभी खावन से मिलने के बाद खून का धब्बा लगाओ? खावन नहीं से मिलने में बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं महसूस होता था जब शुरू में या आप? हाँ होता ही है वैसे, थोड़ा दर्द तो। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपकी चारों बच्चे घर में पैदा हुए हैं या अस्पताल में पैदा हुए हैं? सारे मेरे अस्पताल में बताऊंगा। ठीक है, सारे बच्चों को आपने ही फांसी टीके वगैरह लगवाए हुए हैं, दूध पिलाया हुआ है बच्चों को? जी ठीक है, मुझे ये बताएं, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान में जब आप वक्फे के लिए कोई चीज इस्तेमाल करती थी, कोई गोलियां इस्तेमाल करती हो या फिर कोई आप कोई छल्ला वगैरह जी रखवाया हो? मैंने छल्ला रखवाया था, छल्ला छल्ला रखवाया था? इस्तेमाल किया ठीक वक्त है के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको जिस्म नीचे लटकता हुआ महसूस तो नहीं होता? नहीं ठीक है, मुझे ये बताएं, आपके घर कितने कमरों का घर है आपका? हमारा घर है 2-3 कमरे हैं। कौन कमाने वाला है घर में? मेरे शौहर कितना कमा लेते हैं वो, महीने का क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? उनकी दुकान है अपनी, अच्छा, कितना तो कमा लेते होंगे एक महीने में?
ठीक है, गुजारा हमारा सही है। हाँ हफ्ते में गोश्त खा लेती हैं आप? जी, ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको ओके टाइम अप। कुछ और ठीक है। डॉक्टर नताशा, अभी और पूछ सकती हूँ? बस पूछो, जल्दी जल्दी, टाइम अप हो गया। बस टाइमिंग का मैं बता दिया कि पूछो क्या पूछते हो। अच्छा, कहीं किसी और कुछ हिस्से से कभी खून तो नहीं पड़ा? कभी खून की उल्टी आई हो या पखाने के रास्ते कभी खून पड़ा हो? नहीं अब डॉक्टर नताशा, सुनाओ हिस्ट्री। नहीं अभी कहाँ हिस्ट्री हुई, अभी तो आप एग्जामिनेशन में क्या जी पूछना सॉरी चाह रही हैं, सॉरी देखना सॉरी चाह रही हैं। जी, एग्जामिनेशन में मैडम, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, क्या इंक्लूडिंग हर ब्लड प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इंक्लूडिंग हर पल्स पर मिनट, इंक्लूडिंग हर रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, रेलेवेंट 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 इन्वेस्ट रेलेवेंट इन्वेस्ट एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या चाहिए आपको। इंक्लूडिंग पैलर, इफ शी हैज एनी पैलर, ओके, इंक्लूडिंग माइल क्लबिंग पेलर, और इंक्लूडिंग क्लबिंग और नो क्लबिंग, काइलोमेकिया, ओके, नो एंड मैडम इंक्लूडिंग अ चेस्ट ऑस्कल्टेशन। क्या तुम्हें क्या फाइंडिंग में एक्सपेक्ट कर रही हो। सॉरी मैडम, रेलेवेंट बताओ। मैंने पल्स रेट पूछना था, पल्स पूछनी थी ओके टैकीकार्डिया के फाइन हवाले। है, पर नहीं टेकी नहीं है, ठीक है रेलेवेंट। ठीक है मैडम, हर पर एब्डोमिनल, मैडम हर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग हर एनी प्रेजेंस ऑफ एनी नो एस मैथ्स साइन, नो मैथ्स नो ओके मैथ्स मैडम कुछ भी हर नहीं। बायोमेडिकल, मैडम हर पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, इंक्लूडिंग द इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग वल्वा विजाइना एंड पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सर्वाइकल एग्जामिनेशन फॉर एनी ब्लीडिंग और एनी डिस्चार्ज। नो ब्लीडिंग, नो डिस्चार्ज, वल्वा नॉर्मल, सर्विक्स नॉर्मल। ओके एंड देन मैडम, बायोमेडिकल एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द यूट्रस, एनी प्रेजेंस ऑफ मास एंड एंड द पोजीशन ऑफ द यूट्रस एंड एनी एडेनेक्सल फीलिंग ऑफ एनी एडेनेक्सल मास। 12 वीक्स, 12 वीक्स मैडम, मोबाइल यूट्रस नॉन टेंडर और यस टेंडर? यस नो जन माइल्ड टेंडरनेस। ओके मैडम, और एडिनेक्सा ठीक है मैडम, क्लियर, ठीक यस है मैडम। ओके। अब इन्वेस्टिगेशंस, मैडम हर फुल ब्लड काउंट विद डेट फॉर हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर एंड हर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इन क्यूबिक मिलीमीटर एंड हर प्लेटलेट काउंट इन क्यूबिक मिलीमीटर। हीमोग्लोबिन इज 9.2। मैडम हर आई बस वांट हर आरबीसी इंडेक्सेस, एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी। ऑल आर रिड्यूस्ड, ओके मैडम, हर ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। बी पॉजिटिव। ओके मैडम, आई वांट अ यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन फॉर एनी पस सेल्स, फॉर प्रोटीन्स और फॉर शुगर्स। प्रोटीन्स ऑल आर नेगेटिव। ओके मैडम, आई वांट हर एच हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंड एंटी एचसीवी। नेगेटिव। ओके मैडम, आई वांट अ लिवर फंक्शन टेस्ट रिगार्डिंग एएलटी एंड एएसटी। सॉरी मैडम, गलत किया नॉट मैंने। डन, ओके मैडम, आई वांट नॉट डन, हर फंडोस्कोपी रिगार्डिंग पेपिलेडीमा और सिल्वर वायरिंग। नॉट डन, ओके मैडम, आई वांट हर पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिगार्डिंग द फॉर साइज ऑफ द, सॉरी मैडम, रिगार्डिंग द साइज एंड द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द यूट्रस रिगार्डिंग एंडोमेट्रियल रेगुलरिटी एंड एनी एडेनेक्सल पैथोलॉजी।
वी विल डिस्कस लेटर। मैडम एनी पैप स्मेयर इफ डन? नो मैनी मैडम एनी एनी एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग इफ डन? नो ओके मैडम ओके। आप एक मिनट है आपके पास अभी, आपने कुछ डू यू हैव मैडम डू यू हैव हर ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड? नो एंड मैडम हर ड्रग शीट? नो नताशा एक बात भूल गई, वो पूछना क्या एलएमपी पेशेंट से पूछ लो। हाँ पेशेंट की एलएमपी है, आज क्या डेट है? 1 अप्रैल। ओके 30 मिनट्स में आपने हिस्ट्री लेनी है, इन्वेस्टिगेशन देनी है, उसके बाद जब तक बेल नहीं बज जाती आप पेशेंट से पेशेंट जो मर्जी पूछ लें, आपकी मर्जी है। 30 मिनट्स तक आपका पेशेंट आपके पास, इन्वेस्टिगेशन आपने मुझसे पूछनी है। अब आप 1 मिनट में अपनी चीजें समराइज और सारी हिस्ट्री बना लें और अब आप फिर मुझे प्रेजेंट करें। मीनवाइल किसको आवाज नहीं आ रही वो मुझे बताए, आपने भी अपना करो समराइज करो, मुझे किसको आवाज नहीं आ रही? मैडम आवाज आ रही है तुमको? जी जी मैडम थायराइड प्रोफाइल रिगार्डिंग TSH Not done. Okay. And her madam blood sugar fasting? Not done. Madam any time random? It's 1:20. Okay, madam. सबको आवाज आ रही है? टेक्स्ट करें। चलो जी नबीहा स्टार्ट। 30 मिनट्स आपके हो गए पूरे, अब आपके पास। हाँ बोले। Mrs. Sugra, wife of Mr. Asif, 43 years of age, married for 20 years, para 4 plus 2, previous all SVDs, with last child born 6 years back, with no formal education, resident of Shadman, Lahore, presented to Services Hospital, Lahore, through OPD on 15th of April with the complaint of heavy menstrual bleeding for the last 2 to 3 years. Her LMP was 15th of April 2020. My patient is a known case of hypertension for the last 6 years. My patient was in usual state of health 2 to 3 years back when she started to notice her heavy menstrual bleeding. That was in which she used to bleed for 6 to 7 days associated with the passage of clots, but no flooding. She used to soak 3 to 4 homemade pads. Her life, her quality of life was compromised. Hello. Bolo bolo bolo. She used to soak 3 to 4 homemade pads. Her bleeding was associated with the passage of clots, but no flooding. Her quality of life was compromised. Her previous cycle was deranged, which consisted of her bleeding days, that was 2 to 3 days with no passage of clots, and she used to have average bleeding, and she used to soak only 2 to 3 homemade pads per day. Her bleeding is associated with the lower abdominal pain, which started with the onset of the menses, and meanwhile it reduced as the menses days passed off. She did not give any history of the feeling of mass in her abdomen. She does not give any history of burning, micturition, urinary frequency, urgency. My patient does not give any history of palpitations or the
मुझे समझ नहीं आ रही कैसे बोलूं, एनी हिस्ट्री ऑफ पेल्पिटेशंस एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड इन द हॉट वेदर और अदरवाइज माय पेशेंट डज नॉट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस. माय पेशेंट डज नॉट गिव शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ फटीग एंड इजी फटीगेबिलिटी एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शी डज गिव हिस्ट्री ऑफ विजिट टू द मल्टीपल डॉक्टर डॉक्टर्स फॉर हर प्रॉब्लम्स इन विच इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर विच शी वॉज गिवन सम कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली विच वर द ट्रांसएक्सामिक एसिड एंड अकॉर्डिंग टू माई पेशेंट फॉर द टाइम शी यूज दोज मेडिकेशंस शी वॉज रिलीव for her heavy menstrual bleeding, but as soon as she stopped those medications, her complaint was like the previous one. In her menarche, her age of menarche was 13 years of age. When she was 13 years of age, there is no history of intermenstrual postcoital bleed or no history of dyspareunia. She is the mother of four children with two missed miscarriages, and her all children are breastfed and vaccinated. And her pap smear was never taken. While she gives the history of bilateral tubal ligation via mini laparotomy done 6 years back when she had her last child born. In her medical history, she is known case of hypertension, there is no surgical history. In her family history, she has the history of diabetes and hypertension, but there is no family history of any malignancy. She gives the history of she lives in an average home with two bedded. Her husband is a shopkeeper, and she gives the history that he can earn average, and she can eat the meaty things in a week. बोलना नहीं आ रहा मुझे डॉक्टर ताशा एंड सांस चढ़ गया. अच्छा उसके बाद and her जी जी मैं बोल रही हूँ डॉक्टर नताशा. एंड ऑन एग्जामिनेशन मिडिल एजेड वुमेन सिटिंग कंफर्टेबली इन बेड विद ब्लड प्रेशर ऑफ मैम ये सारा जनरल फिजिकल भी सुनाओ मेरे पास है नहीं सुना लेकिन सुना दो हाँ 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 रूटीन का सुनाओ रूटीन का ही सुनाना होता है तो विद द ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड पल्स रेट ऑफ 90 बीट्स पर मिनट एंड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 ब्रेथ्स पर मिनट विद माइल्ड पैलर एंड नो क्लबिंग और काइलोनेकिया विद नो लिम्फ एक्सेसिबल लिम्फ नोड्स पैल्पेबल एंड ऑन ऑस्कल्टेशन देयर आर नो नॉर्मल वेजिकल ब्रीदिंग विद नो एडेड साउंड्स और and on auscultation S1 and S2 are heard with no audible with no added heart sound. On examination her PA her bilateral on examination there are her there is no mass palpable in her breast and her nipples are not averted. While PU shows there is no mass palpable or visceromegaly, and on her local examination, PS vulva vagina normal looking with no discharge coming out, and PS pulse speculum examination cervix normal looking with no discharge or bleeding, pap smear taken, dried and fixed, and her bimental examination shows 12 week size uterus, mobile, non tender, antiverted with no adnexal pathology. शाबाश सही था. आज मैं तो एग्जामिनर की तरह लूंगी इसलिए भी मैं अपने कमेंट्स नहीं बोलूंगी. ओके कैन यू प्लीज समराइज योर केस. 43 इयर्स पैरा 4+2 प्रीवियस ऑल एसवीडीज लास्ट चाइल्ड बॉर्न 6 इयर्स प्रेजेंटेड थ्रू ओपीडी विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग for 2 to 3 years, known hypertensive and anemia with 12 week size uterus, non tender, mobile, antiverted, with no adnexal pathology. Okay, so I'm starting your viva first bell. Can you please tell me
डू यू मीन बाय टू टू थ्री? एचएमबी इज फॉर 2 इयर्स और फॉर 3 इयर्स? सॉरी, 3 इयर्स. इट्स फॉर 3 इयर्स. ओके. यस. यू ओके, जस्ट वाइवा दो मुझे, जब मैं पूछूं वो बस बता दीजिए. आप मुझे बताएं कि व्हाई योर पेशेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय के व्हाई यू आस्क द टायर्डनेस इन द पेशेंट, व्हाई? बिकॉज़ मैडम माय पेशेंट आप पूछ रही थी. My patient gives the history of heavy menstrual bleeding for 3 years, and in her heavy menstrual bleeding, she used to soak pads and with the passage of clots. And madam, I am thinking, and according to her labs, she is showing which is showing anemia, madam. And why? What do you think is the reason of her anemia? Madam, her blood loss. She's menstruating. Madam, because my patient also gives history that she used to take tranexamic acid for, and she responded to that treatment, and she said how much sure you are that she used tranexamic. Did she mention that name? Madam, she said that some white and red capsules. So you are sure about trans women? Does your patient give any history of blood transfusions? Did you ask? Madam, I asked about the iron transfusions. Sorry, yes, madam, you are right, but I forgot about, I missed that. You did not ask about any history of blood transfusion. Don't you think so? It is important if you are saying her anemia. Yes, madam. Do you ask about history of any PPH, APH in 6 years back? Maybe that was because of that anemia that is continued now. आपने पूछा? No, madam. Madam, she is giving the history for of heavy menstrual bleeding for 2 to 3 years, and these symptoms that is easy fatigability and palpitations. Any history, any previous history of bleeding loss? Maybe she is having multiple pregnancies, para 4, repeated pregnancies, PPH in the last pregnancy. Maybe she is anemic. You ask about any other reason of anemia. Madam, you think HMB is the only reason of her anemia? Madam, I asked her. मैडम, मैं यही पूछा था कि बस कि उसको कहीं और से ब्लीडिंग का तो नहीं होता, कि कहीं और से खून तो नहीं पड़ता, लाइक हेमेटोनीसिस और एनी पर पीपीएच. बट आपने मैडम पीपीएच को नहीं पूछा. आपके पेशेंट के कितने बेटे और कितनी बेटियां? मैडम सॉरी, ये मैं भूल गई. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लडिंग? मैडम के अगर उसके कपड़े नीचे तक तो नहीं भीग जाते, कि उसके पेंटी से नीचे अगर उसके सोक कर जाता हो, सॉइलिंग हो जाती हो बेड की या फिर उसके कपड़ों की. What do you mean by quality of life? Her quality of life is compromised. Madam, it means ke if she cannot do the work because of her bleeding, if she feels uncomfortable to do her routine household works, and she has to lie down. What on do you the mean bed, by cycle? What do you mean by cycle deranged? Madam, cycle derangement means if the length of the cycle is deranged, if it comes like after. Is this a term used anywhere? Have you heard about this term cycle deranged anywhere in book? Where have you heard this word cycle deranged? Okay. What is your provisional diagnosis? Madam, provisional diagnosis, submucosal fibroid. Madam, it can be any polyp, or madam, although the patient has no tenderness, there was only mild tenderness on the physical examination while doing the bimanual examination. Madam, so adenomyosis on third number, and why submucosal, madam, is your provision?
Why submucosal fiber is your provisional? What are the things favoring submucosal fiber? Madam, because she is having heavy menstrual bleeding that is occurring at regular intervals, like after a month. That's okay. Which polyp? Madam, it can be as endometrial polyp. Okay. Then why uterine size is 12 weeks in an endometrial polyp? Do you think the size of uterus is 12 weeks in endometrial polyp? Madam, it can be any adenomyosis in any endometrial pathology. And as so madam, you mean endometrial polyp with coexisting adenomyosis? But patient is not having any tenderness during examination. No, madam. Endometrial pathology is like endometrial hyperplasia. So polyp nahi ho sakta. Madam, polyp bhi ho sakta. Madam, first my differentials is submucosal fibroid, then polyp. Why dysmenorrhea? Why your patient had dysmenorrhea? Does fibroid cause dysmenorrhea? Madam, if the fibroid can cause dysmenorrhea, madam, it because the uterus, when the uterus tries to push out the fibroid, it can during the contractions it can push the fibroid out, so it can cause you did not elaborate the it was an expulsion pain. You said it was a pain which was with the periods, and that's all. You did not say it was an expulsion pain. How much pain? How did you ask about the type of pain, about the nature of pain? Maybe it is a normal dysmenorrhea. You did not dig further. How much pain that she took any analgesics? Did you ask about any use of analgesics? Maybe that is a routine dysmenorrhea that usually patient has. Did you ask about dyspareunia? Yes, the patient had dyspareunia too. Yes, madam. What kind of dyspareunia? It was superficial or deep? Yes, madam. You did not ask. Yes. What do you mean by aap jawan kab hui thi? Jawan kab hui thi? Ye kya hota? Chalo ye to aise main puch lu. Pehle dafa periods kab aaye bhai? Ye puchna hota hai. Jawan kab hui thi? Ye nahi puchna hota. Okay. You said that the vulva vagina was normal looking on inspection. Can you see vagina during inspection? No, sorry. Vulva was normal looking. Main galti se nikal gaya. Sorry. What do you mean by meaty things? Like, and two-bedded house. What is the BMI of your patient? What do you mean by middle age? You think 43 is a middle age? Then what about our age, which is 50? We are old ladies. Yes, madam. 50 to old age mein hi aata. So we are old. एग्जामिनर तो हो सकती है तुम्हारी 50 की. ओके मैडम, यू आस्क एक मैडम, इस तरह मैंने ना अपनी डॉक्टर शाजिया को दिया था, एक हिस्ट्री नहीं थी वहां पे ना, तो उन्होंने 38 को जब मैंने बोला मिडिल एज, तो शी सेड ये मिडिल एज है, ये तो यंग है. मैंने कहा 40 से. चलो मैं अभी अभी पहले अपने सारे पूछ लूं सवाल, फिर मैं तुम्हें अपना एक कंसेंसस बाद में दूंगी. ओके, यू सेड यू आस्क पेशेंट्स आरबीसीज, बट यू डिड नॉट आस्क पेरिफेरल स्मेल. डोंट यू थिंक सो इट इज इंपॉर्टेंट? मैडम, एमसीवी ऑल वर रिड्यूस्ड, एंड मैडम थिंकिंग अबाउट द शी हैज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. मैडम, व्हेन इन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मोस्टली द anemia is due to but peripheral smear is not routinely asked. RBCs and this is the peripheral smear is usually asked. So you did not ask about the peripheral smear. Okay, you said about fundoscopy. Is your patient giving any history of fundoscopy? Madam, no, but she has a history of hypertension for the last 6 years. Did she give you history of fundoscopy? You asked me the investigation of fundoscopy. I am asking, did your patient give you any history of fundoscopy done? Why did you ask? Then why did you ask?
सॉरी मैडम, व्हाई यू आस्क एलएफटीज? वो गलती से निकल गया था मैडम मेरे मुंह से, वो नहीं पूछना था मुझे। गलती, सॉरी मैडम, यस, ये नहीं पूछा। आपके वाइवा में इसके अलावा कोई वर्ड निकला? सॉरी, यस मैडम, ओ फॉरगॉट, ओ गलती। 10 मिनट से तुम सिर्फ यही कह रही हो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड स्टार्ट। यू वर लाउड, यू वर, मेरे अलावा भी शुक्र है किसी की आवाज निकली है इस क्लास में। मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो मैं देखती हूँ, मैं इतना ऊंचा बोल रही थी और दूसरे की आवाज ही नहीं निकल रही होती। चलो आज तुम्हारी आवाज लाउड थी, आई लाइक इट, हम सब सुन रहे थे चुपचाप और सिर्फ तुम बोल रही थी। दूसरी बात, आपने सॉरी, यस मैडम, ओ यस, किसी एक बात पे तुम नहीं बोल रही थी, सिर्फ मैं बोल रही थी, एग्जामिनर बोल रहा था और तुम सिर्फ मुझे सॉरी 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 कह रही थी। ये केस पास हो सकता है? नहीं हो सकता। हालांकि तुमने हिस्ट्री अच्छी ली, तुमने हिस्ट्री अच्छी ली, तुम हिस्ट्री की टाइमिंग भी तुम्हारी ठीक थी। कि मतलब मुझे लग रहा है तुमने मेरा ओरिएंटेशन सेशन नहीं सुना। मुझे अफसोस हुआ ये देख के कि तुमने मेरा ओरिएंटेशन सेशन लगता है सुना ही नहीं है। बहुत कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, और देखो मैं तो नहीं, मेरी बात सुनो, मैं वो तो तुम लोगों को बता रही हूँ, मेरा एग्जाम अगर हो ना, मैं तुम लोगों की जगह हूँ, मैं दिन रात सुबह शाम सिर्फ यही बोलती रहती। तो एक तुम्हें आज सारा दिन मिला हुआ था तो तुमने प्रैक्टिस नहीं की? मैंने सुना डॉक्टर दाशा, आपका लास्ट वाला एचएमबी वाला जो एक डॉक्टर खुशबू का था वो भी सुना था, और अभी डॉक्टर अरुबा वाला जो कल वाला था वो भी सुना था। बहुत कंफ्यूज हो गई थी। क्या क्या मतलब, देखो मेरी बात सुनो, सारे पहले 30 मिनट्स तो तुमने बोलना है, हिस्ट्री लेनी है, इन्वेस्टिगेशन लेनी है, उसके बाद अगले 8 मिनट में 38 मिनट्स में सिर्फ तुमने बोलना है, और उन 38 मिनट्स में भी अगर तुम अपनी जगह नहीं बना सके एग्जामिनर के दिल में, तो अगले तो 11-11 मिनट बस वो जस्टिफाई करना है। अब तुम्हारा प्रोविजनल है सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड, और आई डोंट नो व्हाई डिनोमायोसिस बेचारे को तुमने नीचे लिफ्ट कराई है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाई नॉट अ डिनो इज योर टॉप डायग्नोसिस मैडम? मैंने तो कहा था माइल्ड टेंडर है, तो माइल्ड टेंडर तो तुम्हारे नजदीक डिनो नहीं है। फिर तुमने दूसरी बात, चलो मेरी एग्जाम बहुत अच्छी चीजें भी थी, अच्छी बातें तुम्हारी है, तुम्हारी बात अलाउड थी, तुम हर चीज पूछती थी, और तुमने बीएसएफ नहीं था, तुमने टाइम रैंडम पूछा, तुम्हारा इतना दिमाग चल रहा था, हमेशा आरबीसी विद पेरिफेरल्स मेयर मांगते हैं, बोलते ही इकट्ठे हैं ताकि आपकी वो दोनों चीजें क्लियर हो। फंडोस्कोपी जब मैं तुम्हें कह रही तुमने क्यों मांगी, तो इसका जवाब ये था, यस मैडम यू आर राइट, यस मैडम यू आर राइट का वर्ड एक जगह नहीं निकला मुझ से, मैडम यू आर राइट, माई पेशेंट इज नॉट। दूसरा, तुमने हॉस्पिटल एडमिशन के बाद पूछा ही नहीं मरीज के साथ हुआ क्या है, मे बी हुई है फंडोस्कोपी। हॉस्पिटल एडमिशन के बाद पेशेंट को ब्लड लगा है कि नहीं लगा, तुमने कुछ हॉस्पिटल एडमिशन के बाद व्हाट हैपेंड विद द पेशेंट फर्दर मैनेजमेंट, मैं बार बार कह रही हूँ मेरी स्ट्रेट मैंने कराना पेशेंट, तुमने हॉस्पिटल एडमिशन के बाद मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, मेरे साथ क्या किया डॉक्टरों ने, वो पूरा पोर्शन स्किप्ड है, क्या हुआ? फिर मैंने कहा तुम्हें लोकल, तुम्हें समझ आ गई मेरी बात, हॉस्पिटल स्टे का पूरा पोर्शन गायब है कि हमें नहीं पता हॉस्पिटल के बाद उसका ब्लड लगा, उसको डायबिटीज, उसको हाइपरटेंशन के लिए फिजिशियन ने देखा, उसकी मेडिकेशन है, अब उसकी ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, और डॉक्टर ने उसको क्या प्लान दिया है, उसको ने डॉक्टरों को से कहा कि वही बात है कि उससे डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया हुआ है, उसको मैं अभी इसको क्लोज रखती, मुझे नहीं पता, मैं बाद में अपना सोचती कि मैंने इसको किस तरह से लेके चलना है, मैं बोलती यही माई पेशेंट इज नॉट वेल अवेयर ऑफ। यहाँ तक की तो पूरी बातें अभी तक रटी रटाई चल रही थी, एचएमबी का तुमने बातें सारी बोल दी, उसके बाद आफ्टर एडमिशन ये सारी कहानी, A young lady, yes, 42 year lady, sitting comfortably well, well, और ये time less person. मैंने बार बार कहा तुम्हें focused मुझे बताओ तुम्हें examination में क्या देखना था, BMI देखना था, anemia देखना था, thyroid देखना था, और any bruises देखना थे, मैंने कल बात बताई है, बताने से क्या फर्क पड़ता है, register करोगे तो बात है ना, BMI तुमने पूछा ही नहीं। इसका मतलब एग्जाम में जब तुम लोग एग्जामिनेशन शुरू करने लगे हो, तुम लोगों ने रूटीन का घिसा पिटा एग्जामिनेशन ही करना है, सिर्फ फिट अपना पेशेंट पता ना एचएमबी है, तो बस अब देख लो कि मैंने इन इन इंपॉर्टेंट बातों को फोकस इस पे करना है, अदरवाइज तो तुम्हारा हार्ट नॉर्मल जीपी ही करता रहेगा। मैंने इस वक्त थोड़ी देखने की पेशेंट की क्लबिंग है, तुमने कहा मैडम क्लबिंग है, कोलोनिकिया है, साइनोसिस है, भाई होता भी तो शायद मैं ना बॉदर करती वैसे, क्योंकि यूजुअली पेशेंट में ये होता ही नहीं है। पैथेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि रटी नहीं होनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बता सकती हूँ अभी पूरा का पूरा बोल के, 42 years, sitting comfortably in bed, well oriented in time present person, with a BMI, show this, 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 weight, this, height, this. Her pulse is 160 beats per minute, her blood pressure is 120 by 80 mm of mercury, respiratory 16 breaths per minute, and she is afebrile.
माई पेशेंट इज पेल, देर इज नो क्लमिंग साइनोसिस, जॉन्डिस कॉलोनिकिया, थायराइड इज नॉट इनलार्ज, ओरोडेंटल हाइजीन सेटिस्फैक्ट्री, सिस्टमैटिक, चलो बोथ ब्लड्स आर नॉर्मल लुकिंग विद नो लंप पैल्पेबल इन ऑल पोल, ऑल द बोथ ब्लड्स आर नॉर्मल लुकिंग विद नो लंप पैल्पेबल इन ऑल द क्वाड्रेंट्स, निप्पल आर रिवर्टेड. क्या मतलब निप्पल रिवर्टेड? देयर इज नो निप्पल डिस्टर्ब. ब्रेस्ट का पार्ट होता है निप्पल बहन, उसमें ब्रेस्ट नॉर्मल लुकिंग में निप्पल आ गया. तुम सुनो मेरा दोबारा ओरिएंटेशन सेशन. ब्रेस्ट आर नॉर्मल लुकिंग विद नो लंप पैल्पेबल, ऑल एसेसरी लिम्फ नोड्स आर नॉट पैल्पेबल, फिर सीक्वेंस से पीछे जाओ, देयर इज नो स्पाइनल डिफॉर्मिटी, नो स्पाइनल टेंडरनेस, बोथ बोथ देयर इज नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीथिंग विद नो ऑटिज्म, S1 S2 पैल्पेबल विद नो. क्या प्रेजेंटेशन थी? Both heart sounds are audible with no added sound. Apex beat is in the fifth intercostal space and from middle to the mid-clavicular line. यार ये मतलब मैं मेरा एग्जाम नहीं है. जी लोग ने तो लोग एग्जाम है. But the मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं literally कल रात नहीं सोई, मैं ख्वाब में भी justification और class ही लेती नहीं पूरा वक्त. मुझे तो इतनी टेंशन होती है देन क्लास लेने की, तुम लोगों को एग्जाम की कोई टेंशन नहीं है. इस हिस्ट्री पे मुझे बताओ, तुमने HMB दो दफा सुन लिया, मेरे सेशन भी सुन लिया, यू आर फेल. इस हिस्ट्री में सॉरी यस मैडम नहीं सॉरी सॉरी के अलावा क्या था? मेरे स्टूडेंट्स का वाइवा ना 2-3 केबन तक उनकी आवाजें जाती हैं और आके उनके बाकी लोग बताते हैं. हाँ मतलब सीरियसली वो बोलते हैं, सिर्फ वो बोलते हैं और बाकी सुनते हैं उन्हें. 38 मिनट सिर्फ तुमने बोलना, और 38 मिनट के बाद क्या एग्जामिनर में इतना हौसला रहेगा कि वो तुम्हें कहीं पकड़े? 38 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद शुरू. अगर उसमें तुम कोई ब्लंडर ना मारो, उसमें तुम हर चीज पे, तुमने जिस प्रोनिया से कहा तो वही रुक गई. भाई पूछो अच्छा मुझे बताएं, ठीक है आपको दर्द होती है, कितनी दर्द होती है? क्या कभी आपको इतनी दर्द हुई है कि आपने वो अमल मुकम्मल ना किया और आपने रोक दिया? नहीं मुझे इतनी दर्द नहीं होती. भाई गोली मारो ऐसे डिस्प्रोनिया को, इसका मतलब कोई डिस्प्रोनिया है नहीं, डिस्प्रोनिया है ही नहीं है. डिस्मेनोरिया पे आ जाओ, आपको डिस्मेनोरिया. अच्छा आप मुझे बताओ आपको कितनी दर्द होती है? इतनी दर्द होती है कि आपको दवाइयां खानी पड़े या इंजेक्शन लगवाने पड़े? हाँ मुझे इतनी दर्द नहीं होती. भाई इसका मतलब डिस्मेनोरिया भी माइल्ड है. आपको अब आप तुम देखो 2 DD है, HMB में 2 DD थे. मैंने कल इतना डिटेल बताया, एडीनो वर्सेस फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड की एक्सपल्जन. तुम पूछो आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज बाहर आ रही है, जैसे क्रैम्पी को क्या उर्दू में कहना चाहिए, जैसे मरोड़ उठने वाली दर्द है कि आपको लग रहा है कि एग्जामिनर को सुनाओ, मुझे पता चलता तुम पूछ रही हो, तो बाद में तुम उतनी कॉन्फिडेंटली जस्टिफाई करती मैडम माय पेशेंट इज गिविंग अ क्रैम्पिंग पेन सम बिकॉज़ ऑफ फाइब्रॉइड्स, क्योंकि मैं तो इसको एडीनो भी बना सकती. अब तुम जब मुझे कहते ना नहीं मुझे क्रैम्पी नहीं, मैं कह देती मुझे क्रैम्पी नहीं है, मुझे मुसलसल सी दर्द और मैं IV पे हूँ. बहुत दर्द होती है डिस्मेनोरिया के मरीजों को. तुम्हारा तो क्लासिकल डिस्मेनोरिया था, ना होता एडीनो फिर मैं फाइब्रॉइड बनाती. अभी तो मेरा एडीनो मायोसिस था. तुम अब चलो ठीक है, लेकिन वही बात है, ये सब मुझे तो फाइब्रॉइड पे भी जस्टिफाई करती है अगर तुमने डिस्मेनोरिया क्लियरली और एक्सपल्जन पेन पूछी होती. तुमने वो पूछी नहीं तो तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओ. फिर मैंने कहा माइल्ड टेंडर, माइल्ड टेंडर मुझे बताओ, एक फाइब्रॉइड का पेशेंट माइल्ड टेंडर क्यों होगा? क्यों होता ही नहीं है. तो तुम्हारा दिमाग इतना नहीं चला कि भाई मेरा पेशेंट को डिस्मेनोरिया है, पैरा 4 है, प्लस 2 है, नबीहा इसमें एडीनो ना होने के फैक्टर्स बताओ क्या है? एडीनो मायोसिस मल्टीपैरिटी भी है. क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये क्लासिकल एडीनो था मेरे नजदीक. तो मतलब मैं इसको जैसे चाहे ये एडीनो ना निकले, बात जो मर्जी निकले मेरे डीडी से इसके सिंपल. और HMB में मैंने तुम्हें कल समझाया भाई पॉलिप किधर से आ गया. HMB में पॉलिप यूजुअली इररेगुलर ब्लीडिंग करता है, यूजुअली इररेगुलरली ब्लीड करता है. डिस्मेनोरिया में फाइब्रॉइड एडीनो. Yes, कल का लेक्चर तुमने सुना? तुमने सुना है सिर्फ, तुमने उसको रजिस्टर 0% किया. बेटा बेटी नहीं पूछे, APS PPS जरूर पूछना है कि कहां से एनीमिया उसका चलता आ रहा है और वो फर्दर एग्रीवेट हो गया बस बाय दिस. अगर 9.2 HB ना होती, अगर HB 7 होती तो मैं कहती इतने महीने में तुम्हें लगता है मैडम मेरे पेशेंट का पहले मल्टी. देखो एक बात का तरीका होता है बताना है. मैं तुमसे बार बार पूछती थी आपको लगता है मरीज को ये HMB से इतनी पेन है, तो तुम्हें अगर पूछा होता, तुमने APH PPH पूछना होता हमेशा HMB के पेशेंट से. आपने कह रहा था मैडम यस यू आर वेरी राइट, माय पेशेंट इज पैराफोर विद मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड लेस स्पेसिंग. तुमने इतना स्पेसिंग पे चलो पूछा नहीं, चलो गायनी में इग्नोर करो. प्लस एट द सेम टाइम शी हैड, अगर हिस्ट्री ऑफ PPH होती, शी हैड हिस्ट्री ऑफ PPH इन दैट प्रेगनेंसी. प्लस नाउ दैट सिचुएशन इज बीइंग एग्रीवेटेड बाय दिस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. दो तीन बातें इकट्ठी होके मैडम अब HMB हो गई. अगर ये पेशेंट बहुत एनीमिक होती तो मैं यूं जस्टिफाई करती, 9.2 HB इज इनफ फॉर यू टू जस्टिफाई. तुम्हें कहना चाहिए था यस मैडम यू आर वेरी राइट, माय पेशेंट इज नॉट गिविंग मी एनी हिस्ट्री
of bleeding during pregnancies, and now she is presented with 9.2 hemoglobin, yes, which is a moderate anemia. Most probably the reason is this HMB. Yes. तुम यूं ही कहना चाह रही थी, लेकिन तुमने क्योंकि पीपीएस नहीं पूछा हुआ था तो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि भी और कोई कॉजेस तुमने रूल आउट किए, प्लस तुमने और अनीमिया को अपनी हिस्ट्री में नहीं डाला, फटिगेबिलिटी, ब्रेथ कहीं नहीं आया, अनीमिया नहीं आया, क्यों अनीमिया? फिर तुमने ड्रग्स नहीं पूछी, वारफेरिन, खून पतला करने वाली दवाई आप खाती हैं, ये भी वर्ड मुझसे नहीं आया। सारा कुछ, सारा एचएमबी की सारी हिस्ट्री के पॉइंट्स सब कुछ याद किया हुआ था उसमें, जो मर्जी याद कर लो, मेरी बात सुनो, एग्जाम में यही होगा, तुम्हें लगता है एग्जाम में ऐसे नहीं होगा? एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, तो दिन रात सुबह शाम सिर्फ एचएमबी 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 होना चाहिए सब, और तुम लोग फंसे हो अजीब सवालों पे, कसम से मैं सोचती हूँ ऐसे सवाल तुम लोगों के जहन में पता नहीं आते कहाँ से। अब मुझे बताओ इस तरह के केस पे तो पास हो ही नहीं सकता, हालांकि तुम एंडिनो बनाओ, तुम फाइब्रॉइड बनाओ, तुम जो मर्जी बना लो, केस फेल हो गया। बाकी अगर तुम इसको डीनो लेके चलो, अब आगे अगर मैं तुम्हें कहूँ चलो तुम मैनेज कैसे करोगे फाइब्रॉइड? आई डोंट नो व्हाई यू पीपल मेक इतना ब्लंडर्स टुगेदर, कि मतलब मैं तुम्हारी बातें सुन के सोच रही थी कि एक चीज एक होती है ना चीज, मुझे कुछ एग्जाम में हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, बहुत सी चीजें तुम्हें नहीं आती होंगी, जो चीजें आती हैं उनके पे तो हम अपना बेनिफिट लें। तुमने डिजास्टर एग्जामिनेशन सुनाया, मतलब मैं बल्बा वजाइना नॉर्मल लुकिंग है, सोचूं वजाइना कहां से नजर आता है, मतलब सॉरी 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 यस मैडम सॉरी 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 वाइवा चला सिर्फ, बाकी इन्वेस्टिगेशन तुमने अच्छी पूछी। फिर मेरा पेशेंट, माय पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन डायग्नोज इन अ लास्ट प्रेगनेंसी व्हिच हैड हर प्रेगनेंसी दिस हाइपरटेंशन दैट कंटिन्यू टू बी हैविंग क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, शी इज हैविंग दिस 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 एंड लास्ट विजिट टू द फिजिशियन वाज इतने से बाद और ये मेडिसिन ले रही है हर, मैं नहीं अब बता रही कसम से, मैं तो डिप्रेस हो गई। हर she had a regular menstrual cycle 5/28 days with normal flow, she with no history of dyspareunia, dyspareunia, intermenstrual bleeding and postpartum bleeding. She noticed a change in her menstrual cycle 3 years back when she started having heavy menstrual bleeding. The bleeding was for 6 to 7 days and that was associated with passage of clots. She used to soak at least 4 to 5, pehle main sara bata chuki, tum pehle normal bataya, तुमने नॉर्मल बताया, फिर तुमने फिर नॉर्मल बताया कि नाउ शी इज यूजिंग 4 to 5 पैड्स, प्रीवियसली शी वाज यूजिंग 2 to 3 पैड्स, पहले नॉर्मल बता दो, समझ आ गया था मुझे, फिर तुमने 4 to 5 पैड्स विद एसोसिएटेड विद डिसमेनोरिया, दैट इज रिलीव, दैट इज यूजुअली विद द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नॉट एसोसिएटेड विद एनी क्रैम्पी लोअर एब्डोमेन पेन, मींस आई हैव रूल्ड आउट सब म्यूकोसल, माय पेशेंट यूज्ड टू टेक ओरल एनाल्जेसिक्स फॉर दैट पेन, the pain settles at the end of menstruation, there is no history of dyspareunia, halanki maine kaha tha lekin kyunki main superficial aur deep wahi pe achhi tarah pooch paach ke apna clear kar leti to main clear ho jati examiner ke aage, no history of dyspareunia and any intermenstrual bleeding, saath hi no feeling of a mass in her abdomen, tumne pooch liya, ab mujhe samajh aa gaya bhai mera case tha, ho gaya mass abdomen nikal gaya, ab main HMB ke andar hi bas rahungi, so thyroid wo she gives no history of any heat and cold intolerance, excessive weight gain, no history of any easy bruisability, epistaxis, my pain, thoda sa smile, apne aap ko bhi thoda hausla diya karo, present karte hue na hamesha slow raho, apne mind ko signal do ki main agla, ab dekho jab main bol rahi hu na thyroid bol rahi hu तो मेरे माइंड में सिग्नल है अगला मैंने इजी ब्रूजेबिलिटी बोलना, तो मैं थायराइड बोलते रहे अपने माइंड को सिग्नल दे रही हूँ कि नेक्स्ट इजी ब्रूजेबिलिटी पे आ रही हूँ, और फिर इजी ब्रूजेबिलिटी एपिस्टेक्सिस बोल रही हूँ स्लो स्लो, अपने माइंड को सिग्नल दे रही हूँ अगला मैं ड्रग बोलूंगी, अब ये मेरी कोऑर्डिनेशन दिमाग के साथ चलेगी, इतनी प्रैक्टिस करनी है। फिर माई पेशेंट डज नॉट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स और ब्लड थिनिंग एजेंट्स, मुझे पता सवाल आएगा कौन सा, वॉरफेरिन, ओके, my patient mass abdomen mein bata diya, okay, my patient does not give any history of excessive weight loss, any photosensitivity joint pains SLE and any jaundice CLD, there is no family history of, ab main saath saath tumhe batate hue bhi na apne mind ko signal de rahi hu is time ki main inka kya bolungi, any family history of bleeding disorders, my patient, ab meri taraf se, ab main bhi kuch bhool bhi gayi hu lekin main apni taraf se done kar chuki hu, ab main
टच करूंगी अनीमिया को। शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ इजी फटिगेबिलिटी बट नो ब्रेथलेसनेस, एंड शी गिव्स हिस्ट्री ऑफ इजी फटिगेबिलिटी एंड पैल्पिटेशन बट नो ब्रेथलेसनेस। माय पेशेंट डज नॉट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम एनी अदर ऑर्फिस। शी यूज टू टेक मीट बोल एंड शी यूज टू हैविंग अ गुड डाइट इंक्लूडिंग मीट वंस इन अ वीक, ऑल्दो शी डज नॉट गिव एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग इन हर प्रीवियस प्रेगनेंसीज। पीपीएच रेलेवेंट का इधर बोल दिया, हालांकि मेरा प्लान नहीं था बोलने का, लेकिन मैं वो ही बता रही हूँ स्लो स्लो और अपने माइंड को सिग्नल दे रही हूँ इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अनीमिया बोलते हुए अब अगला खत्म हो रही है। अब उसने क्या क्या किया? फॉर द लास्ट 3 years शी इज बीइंग सीन बाय द फिजिशियन, लोकल फिजिशियन विच प्रिस्क्राइब्स द मेडिकेशंस। द एग्जैक्ट नेम इज नॉट नोन टू माई पेशेंट। नेवर एवर से द नेम ऑफ द पेशेंट द ड्रग व्हेन द पेशेंट इज गिविंग यू। कभी भी ट्रांसजेनिक तुमने खुद नहीं बोला, तुमने सपोज कर लिया, कभी भी नहीं करनी है गलती। The name is not known to the patient. My patient is using those medication, but her problem is relieved temporarily till she uses that. Now she is presented to Services Hospital Lahore with the same complaints. After her admission, she has her blood tests are being done. She is being evaluated from a physician. Her blood pressure is being recorded, which is normal according to my patient. My patient is being not being discussed with any further management plan. A young lady sitting comfortably in bed. Aage sequence mein examination. Phir ye bol ke mujhe batao 30 minute aur agle 8 minute main apne is style se bolun ki pura hall mein mujhe sirf suna jaye. Aur uske baad maine apna provisional banaya tha adenomyosis and fibroid. उसके बाद मुझे जस्टिफिकेशन मैं क्लियर जस्टिफिकेशन, यस मैडम माय प्रोविजन इज एडिनोमायोसिस, माय पेशेंट इज मल्टीपैरा, शी इज 43 इयर्स ऑफ एज, शी इज हैविंग एचएमबी, शी इज हैविंग डिसमेनोरिया एंड शी इज टेंडर ऑन एग्जामिनेशन। मैं क्या मसला था इसमें कहीं? अच्छा सर, अब दूसरा फाइब्रॉइड मैडम, यस इट कुड बी सेकंड डिफरेंशियल इज फाइब्रॉइड यूट्रस बिकॉज माय पेशेंट इज हैविंग अ रिप्रोडक्टिव एज एंड शी इज प्रेजेंटेड विद एचएमबी एंड आल्सो द यूट्रस इज 12 वीक्स। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड। आई वुड लाइक टू डू द फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म माय डायग्नोसिस। इसमें क्या मुश्किल है? अभी देखो ना, थायराइड टच हुआ ना सैंपलिंग टच हुई, वो तो चीजें टच होंगी जब तुम इतना तो बता दोगी। अभी तो मैं ना थायराइड पे आने पे जोगी हूँ ना सैंपलिंग के, क्योंकि वो तो हाई फाई डिस्कशन में तुम लोगों से करती हूँ, ये तो मेन डिस्कशन है। इसमें तुमने अगर तुम्हारा इस पे वो तुमसे पूछेंगी कौन सी ड्रग आपने कहा था, मुझे पता है मैंने एक एक्स्ट्रा बात की है साइकिल डिरेंज्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैंने एक एक्स्ट्रा बात की है। तुम मुझे बताओ कोई एक बात मैंने एक्स्ट्रा मुंह से निकाली है जो मैं उसको बाद में जस्टिफाई नहीं कर सकती? मैंने बात इतनी सीधी सीधी की है, थायराइड आपके पेशेंट को नहीं है मैडम, मेरे पेशेंट में ये सिम्टम नहीं है। इजी प्लॉजिबिलिटी क्यों पूछ रहा है मैडम? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, आपको लगता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर होते तो अब वो प्रेजेंट होते? यस मैडम यू आर वेरी राइट, द ब्लीडिंग डिसऑर्डर इफ माई पेशेंट इज हैविंग एनी अंडरलाइंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर दिस इज वेरी अनलाइकली टू बी प्रेजेंटेड राइट नाउ, बट दैट इज वन ऑफ अ डिफरेंशियल आई वॉन्टेड टू रूल आउट। Do you think she's having हर बात वो तुमसे पूछेंगे जिसका ना सर होगा ना पैर, लेकिन पूछते हुए मुझे पता है ये मैंने बातें पूछनी है, मेरा डीडी है। Do you think she is taking warfarin? आपने ये बातें क्यों पूछी? Yes madam, you are right, she is not taking it. That is one of the differential I needed to rule out. मैंने कोई एक्स्ट्रा बात ही नहीं पूछी, मुझे पता है मैंने कोई फैंसी वर्ड मुझसे निकाला ही नहीं है, मैंने तो बहुत सिंपल हिस्ट्री बयान की है। इस पे मैं एक खूबसूरत सी समरी, तुमने समरी भी बहुत बुरी बनाई है, समरी बनाने का तरीका सबसे पहले ऊपर से चलो एग्जामिनेशन, तो जनरल फिजिकल तो मैं बता चुकी हूँ। एसएलई का पूछते हैं क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन से भी अंडरलाइन, नहीं पूछना मत पूछो, नहीं पूछना मत पूछो। हाँ फोटोसेंथेसिस एसएलई से भी मेडिकल कंडीशन से भी और सीएलडी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आपकी करती है एचएमबी, अगर आपने स्किप करना है आप कर लें। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं अपना एसएलई पे नहीं जाना चाहती, वो मेरा ही बहन है, वो वाकई में इसको स्किप करता है, लेकिन चलो मुझे था कि एसएलई भी कुछ लोग पूछते हैं, गलत नहीं है, आप पूछ सकते हो, लेकिन स्किप करना आई प्रेफर कि स्किप ही करो। सीएलडी में भी वो पूछेंगे सीएलडी तुमने क्यों पूछा, सीएलडी में कैसे नहीं होता, छोड़ दो सीएलडी, या तो उसको फिर डिटेल उसकी पढ़ लो सीएलडी एचएमबी कैसे करता, छोड़ दो मेरी तरफ से आप बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन ये हिस्ट्री पॉइंट्स होते हैं। अच्छा उसके बाद तुम एग्जामिनेशन तुमने सुनाया, जनरल फिजिकल तो मैंने बताया, वो ओरिएंटेशन सेशन में सुन लो। अब्डोमेन इज
जैसा भी होगा, मुझे नहीं पता कि अबडोमन लुक्स नॉर्मल होता है या अबडोमन इज प्रोट्यूबरेंट होता है या अबडोमन इज नॉर्मल लुकिंग. अबडोमन इज नॉर्मल लुकिंग विद नो प्रोमिनेंट पल्सेशन स्ट्राया. अब वही बात है ना, तुम्हारा दिमाग चल रहा था, देर इज अ बीटीएल स्टार मार्क. मैंने बोला तुमने क्या एग्जामिनेशन सुनाया मुझे, दिस अबडोमन पता नहीं क्या सुना रही थी मुझे तो अपना, मतलब तुम लोग मुझे नहीं पता. मैं वाकई में इस तरह से बोलने का मुझे बहुत शौक है कि मैं बोलूं और सुने लोग, मैं एक बाइवा दूं और लोग सुने. तुम में जब तक ये पैशन नहीं आएगा ना, तो बस फिर ये पैशन की कमी है तुम सब में. कि आप, तुम्हें एक मौका आज के दिन का मिला था नबीहा, दैट इज आउट ऑफ द कोर्स. ये मेरा मौका का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पास हो जाओ, मेरा मकसद ये है. हालांकि मैं इस आग कोई मॉक ना करूं. ओके, अबडोमेन इज प्रोट्यूबरेंट मूविंग विद एस्पिरेशन नो प्रोमिनेंट पल्सेशंस ट्राई. लेकिन मैंने वही बात है, वो पेपर अपना बना, मैं साथ साथ पेपर अपना खुद भी बना रही थी जो मैंने तुम लोगों को सिखाया था. देयर इज अ बीटीएल स्टार मार्क. ओके, अबडोमेन सॉफ्ट नॉन टेंडर्स, देयर इज नो मास पैल्पेबल, नो गैली, वल्वा लुक्स नॉर्मल. Unsterilized speculum examination, service normal looking, pap smear taken, fixed and dried. Uterus 12 weeks size, antiverted, mobile, and tender. Patient was mild tender, both pharmacists clear, patient was mild tender during examination. Bolo, sukoon se tameez se itna acha tumne pucha, sab kuch acha acha, bolna nahi aaya. Phir iske baad, ji mujhe bolna nahi aaya. To kyun nahi sara din practice ki bolne ki? मैंने तुम्हें क्या, मैं जब मेरा जब एग्जाम था ना, मैं अपने बच्चों के साथ हर वक्त बोलती रहती थी, फजूल में उनको सुनाती रहती थी. और मैं ड्राइविंग करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ड्राइव कर रही थी तो मैं आज भी हर वक्त बोलती रहती थी कि नहीं मैंने यूं बोलना, मैंने यूं स्टाइल से बोलना, मैंने यूं स्टाइल से बोलना. तो तुम लोगों ने मैं वो कब बल बोलना है मुझे नहीं पता. अब समरी, 43 ईयर पैरा 4+2 विद HMB फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, नॉन हाइपरटेंसिव 6 ईयर्स, सी स्पेल, abdomen soft non tender, a BTS scar mark, vulva normal looking, cervix normal looking with no pap smear, cervix normal looking, no uterus 12 weeks size, antiverted, mobile, mild tender during examination, fornis is clear, clean history. Tum patient admitted through OPD ki summary mein bol rahi thi. Aaye main kidhar apna karwaun. Parity, age, gynae mein age, parity is, kyunki parity is important in my patient. चीज मैंने उसको बाद में यूज करना, पैरिटी, फिर HMB, फिर हाइपरटेंशन, फिर उससे रिलेटेड चीज फेल, फिर पूरा एग्जामिनेशन. क्योंकि अब मैं आके सुकून का सांस लूंगी और अब मैं चुप होऊंगी. अब मैं अपनी तरफ से बोल चुकी, अब एग्जामिनर बोलेगा. और मुझे बताओ कोई, तुम लोग रूटीन में यार इतना अच्छा कोई बोले, एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू कि तुम बोलती अच्छा हो. ये आपने आधा फता कर लिया अपनी कि आपने अच्छा बोल लिया, प्रेजेंट आपने अच्छा कर लिया. जी डॉक्टर नताशा, मैडिनो है, मैंने बता दिया ये फाइबर, ये मैडम ये. अब आगे चलो, अब और इसमें इतना बोल के अब कोई सवाल, जिस तरह से तुम बोलती जाओगे सवाल से सवाल निकलते आएंगे. अब कोई तुमसे पूछ रहेगा व्हाट इज एडिनो, आपने क्यों एडिनो कहा. इसमें तो मैंने फिर भी टेंडरनेस कर दी, डिस्मेनोरिया कर दी. यूजुअली डिस्मेनोरिया अगर है एग्जाम में एडिनो तभी बनाना है, वरना फाइब्रॉइड बनाऊंगी मैं. लेकिन अगर तुम लोगों को एडिनो मायोसिस कि क्या है डेफिनेशन, अब वो तुमसे अब थोड़ा चोरी पूछी जाएगी. एडिनोमायोसिस, चलो जी बताओ व्हाट इज एडिनोमायोसिस. अब ये ना कहना मुझे एडिनोमायोसिस नहीं आता क्या. अच्छा, प्रेजेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और द वो स्ट्रोमा इनसाइड द मायोमेट्रियम. ओके, सो what are the findings you expect in ultrasound for adenomyosis? Madam, presence of the glands or the
डिस्टर्ब आ, आ, माइंड ये तो लिटिल थ्योरी का, ये थ्योरी का सवाल है, इसमें आ ऊं की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी तो मुश्किल सवाल आने हैं, ये तो एक मैंने तुमसे थ्योरी का सवाल पूछा। चलो सायरा ऑनलाइन है, सायरा 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 जी, जी मैम, मैम इसमें मुझे तुमने इसमें बोलते थे ये हम लोग को एक इंग्लिश प्लस अपना लहजा शहर रह के इम्प्रेसिव देने, जब भी थ्योरी पढ़ो साथ साथ हमेशा एंडिनोमाइसिस थ्योरी पढ़ोगी उसके ऊपर ही लिख देना वाइवा, क्योंकि सवाल आएगा एंडिनोमाइसिस के सब मुझे बताएं, तो अब आपने उसको वाइवा के पॉइंट से बोलो, तो तुमसे बाद में उससे सोच समझ से बोलना। चलो बोलो। On scan, there could be loss of endometrium myometrial junction, and there could be cyst formation or dispersed endometrial glands in myometrium, and मैम इसमें मुझे याद है वो पिक्चर है जिसमें 7-8 वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो बोलने हैं लेकिन मुझे वो भूल गए हैं। प्रेजेंस ऑफ द मायोमेट्रियल एक्यूजेनिक शेडोज और द मायोमेट्रियल, ठीक है, हेटरोजेनस हेटरोजेनस मायोमेट्रियल शेडोज, ग्लोबुलर हेटरोजेनस ग्लोबुलर एसिमेट्रिकल यूट्रस एनलार्जमेंट, इसके तुम लोग 3-4 पॉइंट्स, इतना मायोमेट्रियल एंडोमेट्रियल इंटरफेस लॉस हो जाता है, पेशेंट की मायोमेट्रियल ग्लैंड्स और शेडोज आ जाते हैं, हेटरोजेनस मायोमेट्रियल एरिया, 2-3 पॉइंट बोल दो काफी है। प्लीज म्यूट करो, सारा म्यूट करो, ठीक है। अच्छा तो ओके, व्हाई यू वांट एंडोमेट्रियल सैंपलिंग? देखो अच्छी बात है, तुमने मुझे सब बता दी ना, मेरे पास भी सवाल खत्म हो जाएंगे। व्हाई यू वांट एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जी नबीहा? मैडम एज माय पेशेंट इज 43 इयर्स ऑफ एज, ऑल्दो द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इज 1 in 1 lakh, and madam all to rule out any endometrial pathology, that's why I wanted to have the risk sorry dobara batao madam, dobara batao why is my patient, madam as my patient is 43 years of age, madam although the risk is less, that of malignancy is less, that is 1 in 1 lakh, but as to rule out any endometrial pathology, I wanted to do the endometrial sampling. Risk is less, but you want to do, why? Madam, to rule out any endometrial pathology. What are the recommendations of doing endometrial biopsy? मैडम एज मोर देन 45 years और मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर और रिस्क दैट कैन लीड टू एंडोमेट्रियल सी लाइक ओबेसिटी और लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आई डिड नॉट आस्क अबाउट हर बीएमआई मैडम, मे बी उसका बीएमआई अगर ज्यादा होता तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द एंडोमेट्रियल सी, दैट्स व्हाई एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग शुड बी डन। How will you do? देखो एक तो तुम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग कर रही हो, ऊपर से कह रही हो कि ऑल्दो रिस्क इज लेस लेकिन मैं करूंगी। भाई आगे तुम ये कहो मैडम मेरा पेशेंट 43 इयर्स ऑफ एज है, यू आर वेरी राइट दैट द रिकमेंडेशन फॉर डूइंग एन एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इज एज मोर देन 45 विद द पेशेंट इज हैविंग एनी रिस्क फैक्टर व्हिच इंक्लूड्स पर्सिस्टेंट इररेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग और एनी एविडेंस ऑफ एनी यूट्राइन पैथोलॉजी इन द यूट्राइन पैथोलॉजी, बट there is a chance of having 1% endometrial cancer at this age group, I wanted to rule out that and I will plan to do for the hyper sampling which is a very cost effective test, 96% is bolti ja aage bolti ja bolti ja, matlab risk kam hai madam main karungi, tum kaho ye 1% risk bhi main avoid nahi kar sakti, main isliye karungi har surat yes, karungi kyunki further my because my further plan of management will depend upon the result of the biopsy, because I want to discuss with my patient there is no coexisting endometrial pathology, why not, why not, मैं तो करूंगी। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या स्कूल्स ऑफ थॉट है। दूसरी बात प्लान क्या है, तुमने 4 बातें प्लान की क्या बताई है इस पेशेंट के लिए, क्या करना है इसका? मैडम माय माय प्लान ऑफ मैनेजमेंट विल बी मल्टीडिसिप्लिनरी मैडम, आई वुड कंसल्ट विद द फिजिशियन रिगार्डिंग हर हाइपरटेंशन मैडम, आई वुड देन आई वुड मैडम
her anemia. Madam, I would preferably give her IV iron sucrose transfusions to minimize the side effects and to have the direct observational therapy. And madam, as according to the new RCOG guidelines, the IV iron sucrose is the best mode to correct the anemia, as it can raise the Hb by 2 gram per deciliter in 2 weeks. Madam, after that, my further, madam, I would like to do endometrial sampling by the Pipel, as it is cost effective and it is 96% sensitive. And then, madam, I would discuss with my patient the two options, that is the medical treatment. One is the medical treatment in the form of Myrina, or that is the first line management of heavy menstrual bleeding according to the NICE guidelines, and it can treat up to 96% of the heavy menstrual bleeding, and it can make the patient 23% of patients amenorrheic in the Nabiha, wapis aa jao, patient hai adenomyosis of the first line Myrina. Adenomyosis, madam, heavy menstrual bleeding. Nahi, kya matlab hai tumhara ki patient kiska bachal raha hai? क्या मतलब वही बात है. अब मैं अगले ये बात एडिनोमायोसिस में मैंने की टीएच करनी है, टीएच से पहले मुझे वैसे सैंपलिंग करनी है, फिर वही बात, प्लान ही नहीं बनाया. ड्यूहर्स्ट में मैडम, ड्यूहर्स्ट में लिखा हुआ है कि है एडिनोमायोसिस में आप मायरीना दे सकते हैं पेशेंट को. ओके, मुझे मुझे पता है लिखा हुआ है ड्यूहर्स्ट में, मैंने पढ़ी हुई है ड्यूहर्स्ट, मैंने ईडीएम भी पढ़ी है, मुझे सब पता है उसमें लिखा हुआ है. बात वही है फिर कि तुमने तुमने मरीना देनी है कि प्लान में तुमने एमडीटी कर लिया, तुमने एनीमिया कर लिया, उसके बाद तुम्हारा मेरा प्रोविजनल एडिनो था, मैं एग्जामिनर के सामने बैठने से पहले लिख के जाऊंगी मरीना वर्सेस सीएच और मैंने इसकी टीएच करनी है. मेरा ये प्लान है, मेरा प्लान थी एज कर पेशेंट का. मैं उसको बोलूंगी कैसे, वो तो जाहिर है मैं तमीज बांधूंगी, कहानियां बनाऊंगी कि मैंने वो नहीं करना, वो नहीं करना. मेरा प्लान तो थी एज है. तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारा प्लान मैडम, माय प्लान ऑफ मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट वुड बी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. Madam, as my depending on the compliance and I will outweigh the risk of the discuss with the patient about the visits of the patient to the hospital after every 6 months. Why you did not discuss it? तुमने discuss क्या करके क्यों नहीं आई हो? सीट पे बैठने से पहले discuss क्यों नहीं किया? Discuss नहीं किया exam patient से? जी, उसके बगैर ही बैठ गई हो पेशेंट एग्जामिनर के सामने, तुम लोग डिस्कस के बगैर बैठ गए हो कि पेशेंट को क्या चाहिए. पूछ के नहीं हम यू तो कि आई विल गिव हर टू ऑप्शंस एज देयर आर टू ऑप्शंस फॉर द ट्रीटमेंट. मैंने कब कहना दें बिल्कुल देनी है, लेकिन बात वो ये, आपने पेशेंट से पूछा कि क्या वो मरीना लेके 6 महीने हफ्ते तक आती रहेगी, और मरीना एडिनोमायोसिस में मरीना का क्या प्रोज एंड कॉन्स है. आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि डीप सीटेड एंडोमेट्रियल ग्लैंड के लिए डिस्पनोरिया को कम नहीं करेंगी. आपने उसको सारी बातें बता दी है कि देयर इज अ चांस कि समटाइम्स मे बी इतने परसेंट 53% सक्सेस रेट है, यूजुअली 96% है, लेकिन मायरीना इन एंडोमायोसिस 53% है, प्लस देयर इज अ सम हाई चांस ऑफ एक्सपल्शन. आपने एक्सप्लेन कर दिया सारा, ये आपने बोला कहीं कि मैडम मेरे पास दो ऑप्शन है, माई पेशेंट इज हैविंग एडिनोमायोसिस. सबसे पहली वही बात है, मैनेजमेंट करने से पहले मुझे स्कैन देखना था. I want to review the scan. Maybe उसमें fibroid हो. तुमने scan तो पहले confirm करो भाई. या तो वो कहते हैं scan पूछ लो आप, नहीं तो वो कहते हैं okay go proceed with your provisional. वो मेरा adeno है. नहीं तो मैं scan देखूंगी. Scan तो देखा ही नहीं अभी तक तुमने. तो पहले तो आपने scan मांगना था. Management start करने से पहले मुझे scan. Excuse me ma'am. Madam हमारे हम तो provisional के साथ examiner के पास जाते हैं. मेरे provisional में fibroid भी होगा, adeno भी होगा, तो मैं patient के साथ उन दो दूसरा फाइब्रॉइड है, मैंने एडिनो जस्टिफाई कर दिया, दूसरा मेरा फाइब्रॉइड है, मुझे स्कैन बना देती है, लेकिन वहां वो स्कैन पे सारा फाइब्रॉइड बन जाता है. कैसे बन जाएगा? और दूसरा, अच्छा चलो माइक म्यूट करो. अगर वो फाइब्रॉइड बना ले,
इसका जवाब मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि मैंने एडीनो बनाया हुआ और अब वो फाइब्रॉइड बना दे। मैडम यू आर वेरी राइट, 20-30% ऑफ द एडीनोमायोसिस इज द डायग्नोसिस रिट्रोस्पेक्टिवली व्हिच इज डायग्नोस्ड ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। मोर देन 85% ऑफ द केसेस आर डायग्नोस्ड क्लिनिकल ऑफ एडीनोमायोसिस, दैट इज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। इट कुड एंड समटाइम्स द अल्ट्रासाउंड कैन बी अल्ट्रासाउंड कैन मुझे अभी तक अल्ट्रासाउंड उन्होंने दिखाया नहीं है ना। देखो मैं अपना प्रोविजनल एडीनो बना के गई हूँ और फिर मैंने सेकंड रखा है फाइब्रॉइड, मुझे एग्जामिनर ने भी अल्ट्रासाउंड तो बताया ही नहीं, अल्ट्रासाउंड की तो बारी, मुझे अल्ट्रासाउंड चाहिए ही नहीं, मेरा प्रोविजनल एडीनो है, मैंने पूरा एडीनो बनाया। वो कहें बेटा ये तो आपका फाइब्रॉइड निकला, आपका तो एडीनो था, तो मैं आगे से कह दूं ये बातें। मैडम बिल्कुल ठीक बात कह रही है, फाइब्रॉइड और एडीनोमायोसिस का समटाइम्स सम फोकस focal adenomyoma can be confused with the fibroids, that is and not an 100% sensitive, if ultrasound is not 100% sensitive in picking up the adenomyosis. Adenomyosis is the histopathological diagnosis and worldwide the data shows that it is diagnosed retrospectively on the basis of histopath. Yes, it could be fibroid, definitely, but whether these that is why another differential is fibroid. इसलिए तो fibroid अलग differential रखा है। दूसरी बात वो कहेंगे अच्छा तो कोई और इन्वेस्टिगेशन है जिससे आप कंफर्म कर सकती हैं। यस मैडम, एमआरआई इज वन टेस्ट विच कैन हेल्प, एमआरआई कंक्लूसिव, एमआरआई इज वन टेस्ट विच कैन हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एडीनोमायोसिस एंड फाइब्रॉइड, बट एज माय पेशेंट इज हैविंग दिस दिस दिस, अब वही बात है मैंने इसकी टीएच करनी है, I am not sure whether the MRI is cost effective or not, because it is not going to change my management. I have discussed with my patient the options of Myena, which is a temporary treatment, although it will conserve her uterus, but at the same time the success rate of Myena is reduced from 96% to 50% in case of adenomyosis, and that too with the increased expulsion rate. I will discuss with my patient. She is also not willing to come for the follow up again. I have discussed the option of Myena, but keeping in mind the wishes of my patient, her age and further concerns, I will discuss the options of definitive treatment in the form of hysterectomy. मैं discuss करके बैठी हूँ। वो fibroid बना देंगे, मैं कहूँगी बना ले आप fibroid, अगर fibroid भी बनता मैंने तो TAG कर दिया। तुम लोग मुझे सब तुम लोग इतना scan oriented मुझे नहीं समझ आती कि मैं adenomyosis होता ही बहुत कम है, और एडीनोमायोसिस अगर अल्ट्रासाउंड पे पिक नहीं भी हुआ क्या तुम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया, फाइब्रॉइड करके हम खोलते हैं अंदर एडीनोमायोमा निकला, मेरे साथ तो बहुत दफा होगा फाइब्रॉइड एडीनोमायोमा निकला, अल्ट्रासाउंड एमआरआई ये कंक्लूसिव ये, और इसके अलावा फिर इसके बाद में पूछती हुई बार वो स्कैन से पूछती मैडम एट द सेम टाइम्स द रीसेंट रिकमेंडेशंस आर एनी 2-3 ऑफ दीज फैक्टर्स शुड बी in the scan to confirm the diagnosis of adenomyosis. ये जो दो चार बातें बताई है ना मैंने स्कैन की, तो दो तीन बातें हो तो adenomyosis को हम कहेंगे, फिर वही बात है। अब तुम लोग कहोगे MRI मैं कराऊंगी, मैंने MRI कभी जिंदगी में नहीं कराना, क्योंकि इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस स्टिल क्वेश्चनेबल है कि क्या इतना महंगा टेस्ट मैं सिर्फ एडीनो और फाइब्रॉइड को डिफरेंशिएटिंग के लिए करूं जबकि मेरी मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द सेम। आई विल टेल माय पेशेंट Myena इज वन ऑप्शन, बट वो मैंने सारा बता दिया। I will go for full hysterectomy, 43 years, 9.2 hemoglobin, wishes, keeping in mind, bata diya, wishes of the patient, her concerns, hysterectomy. Adenomyosis mein hysterectomy hoti hai. Myena ki option no karte hue maine hysterectomy kar di. अब इसको वो फाइब्रॉइड कर दें या जो मर्जी कर दें, मैंने दोनों कवर कर दिया। अब बताओ अब क्या कर, ना मैंने कोई थायराइड का जिक्र किया, ना मैंने कोई, ये बातें तो बड़ी रेयर हैं जो पूछी जाए। मेन तो केस आपका ऐसे ही चलता है, कितना टाइम हो गया हमें, घंटे से ऊपर डिस्कशन चली गई है, और तुम लोगों ने 38 मिनट्स को खुद बोलना, 11 मिनट उन्होंने बोले, क्या इन 11 मिनट में इतनी बातें बताई जाएंगी? तो क्या एडीनोमायोसिस, अगर मैंने जहन में सोच लिया मैंने एडीनोमायोसिस बनाना है, मुझे कोई रोक सकता है उसको करने में? क्योंकि मैंने पूरी चीजों के साथ एडीनोमायोसिस बनाया, मैंने ऐसी हवा में एडीनोमायोसिस बनाया ही नहीं। मैंने जब एडीनोमायोसिस का पेशेंट देखा है, सबसे पहले पेशेंट HMB, पीरियड्स में पेन, बहुत शदीद पेन, टेंडरनेस, एडीनो, स्कैन पे वो निकले या ना निकले, निकलता है फाइब्रॉइड तो भी मैनेजमेंट सेम, एडीनो तो भी मैनेज। अब हाँ, केस टू केस देरी करेगा, वो तुम लोग केसेस देखो, समरीज भेजो, फिर मैं उनके हिसाब से बताऊंगा। इस तरह नहीं होता कि मैडम अब पॉलिप आ जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, मुझे क्या पता पॉलिप तुम लोगों ने कैसे बना लिया, मैं ऐसे नहीं बता सकती किसी बात का जवाब के पॉलिप कैसे बना लिया, बताओ पहले कैसे तुम लोगों ने पॉलिप तक पहुंचे, मैं कहूंगी पॉलिप नहीं है,
अगर पॉलिप निकल गया तो चलो। दैट इज ऑल अबाउट, फिर आप बीएसओ करेंगे नहीं करेंगे, सैम्पलिंग मैंने की या बीएसओ मैंने नहीं करनी, ब्ला वो मैं सब बातें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या ऐसा सवाल है जो तुम लोगों को नहीं आता? ठीक है, इस अब तो ये प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस। ओके, मेरे तरफ से केस में इतना ही है। अब मुझे बताएं, हाँ कुछ नबीहा तुम पहले बताओ, कुछ पूछना है? नहीं मुझे कल सारी रात नींद नहीं आई कि यार तुम लोग किस तरह की बातें करते हो, यकीन मानो मैं परेशान हो जाती हूँ। और मैं तुम लोग एक बात बता दूं, प्लीज सिंपल रह लो, सिंपल रह लो, आई बेग यू सिंपल रह लो, केस पास हो जाएगा। तुम लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हो। अब एडिनोमायोसिस जिसका थ्योरी है ना, वो एडिनोमायोसिस पढ़ के क्या चीज इससे डिफरेंट है? तुम लोग इसको थ्योरी से पढ़ोगे तो तुम लोग मजीद अच्छी बातें भी निकाल लोगे जो थ्योरी जिन्होंने भी देनी है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, स्टॉप द डिस्कशन, मेरी तरफ से डिस्कशन खत्म, क्वेश्चन शुरू करें। बिल्कुल हमने तो इसमें थोड़ा सा ना उसके क्या पूछे HRT, एक तो BSO मैंने की नहीं, अगर BSO करनी है HRT, फिक्स्ड HRT मैं एक पेशेंट को देती हूँ, वो मेरे पास पूरा एक बना हुआ पेज है, वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। उसके हिसाब से अगर यूटेस हमने जैसे इसमें निकाल दिया तो वो सारा एक थ्योरी का पेज है, वो याद कर लेना, वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगी। आगे चलो, HRT आपने क्यों देनी है? जाहिर है अगर एक पेशेंट की आपने इसको तो BSO हम करनी, देखो हम जिस एडिनो में BSO नहीं होनी, कभी भी नहीं होनी, एक जिसमें BSO हम करेंगे ना किरण, उसमें HRT की डिस्कशन हम करेंगे। एडिनो में कभी भी BSO नहीं करती तो इसमें HRT का जिक्र आएगा। जिस केस में BSO करेंगे उसमें हम HRT बताएंगे। और बताएं, वन वन एक एक करके। डॉक्टर नताशा, मैंने पूछना था कि जैसे पेशेंट हाइपरटेंसिव हो या डायबिटिक हो तो हमने इन्वेस्टिगेशन में उसकी एंड ऑर्गन प्रोफाइल करवानी है, जैसे RFTs, LFTs, ECG। बिल्कुल, जैसे मेरी बात के लिए कम इन्वेस्टिगेशन कराना हमेशा ठीक है। देखो तुम लोगों ने देखा है इन्वेस्टिगेशन पर वो बात गई नहीं, इन्वेस्टिगेशन में ना इतनी बात जाती नहीं है। अगर आपने कम मांगी होंगी ना, आप सेफ रहते हैं, रिनल फंक्शन टेस्ट करा लो, ECG भी करा लो। लेकिन वही बात, अगर ECG तुम नहीं कराओगी तो मैं कहूंगी, कराने पर मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगी कि आपने ECG में क्या देखना था और आपने ECG क्यों कराई, आप रूटीन में ECG हर हाइपरटेंशन नहीं कराती हैं, तो इसको स्किप भी कर दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर वो ये भी हो सकता है ECG आपके हाथ में दे दें कि आप पढ़ लें ECG क्या। रूटीन हाइपरटेंशन की पेशेंट की ECG कराने की कोई सुख नहीं है, सिर्फ रिनल फंक्शन टेस्ट करा लो, एंड ऑर्गन डिजीज कम से कम इन्वेस्टिगेशन कराओ ताकि कम से कम फंसो। डॉक्टर नताशा, जैसे वो कहते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशन में एक बेसिक मांगते हैं, एक स्पेसिफिक मांगते हैं और एक एनेस्थीसिया रिलेटेड मांगते हैं। अब एनेस्थीसिया रिलेटेड, एनेस्थीसिया रिलेटेड कोई, एनेस्थीसिया रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगे बाद में, मुझे क्या मतलब नो वे एनेस्थीसिया रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ किसी में भी नहीं मांगे। आपने एनेस्थीसिया, आप इसका मतलब आपने सर्जरी करनी है, इसका मतलब यू आर श्योर अबाउट योर प्लान, बाद में वो मरीज कैसे घुमा दें आपके सामने हमें नहीं पता, तो एनेस्थीसिया की कोई इन्वेस्टिगेशन मांगनी ही नहीं है। और ये बाद में जस्टिफिकेशन भी नहीं देनी, मैडम मैंने एनेस्थीसिया के लिए मांगी है, एनेस्थीसिया इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए हमें, वो एनेस्थीसिया वालों को चाहिए होती है, हमें नहीं चाहिए, नहीं मांगे, प्लीज लेस इन्वेस्टिगेशन। ओके थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नताशा, HMB में हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और एंडोमेट्रियल एब्लेशन का ले सकते हैं नाम? अच्छा, HMB या एडिनोमायोसिस? HMB में बहुत सा वास्ट है। कल का केस हमने डिस्कस किया, एक छोटा सा फाइब्रॉइड पड़ा था, उसमें बिल्कुल हमने लेस देन 3 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड था, तो जैसे वो इस्लामाबाद वाले हमें बता रहे थे कि वहां पे एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, बिल्कुल ऑप्शन है। अगर आपके यहाँ हो भी रही है तो आपने बताना है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फाइब्रॉइड में, तो मैं तो नहीं, लाहौर वालों ने तो किसी सूरत इसका नाम नहीं लेना, लाहौर वाले इसको वो पूछेंगे कि आपके अलावा और कोई तरीका ऐसा है जो कि अगर आपके पास सारा फैसिलिटीज हो, तो ये थ्योरेटिकल सवाल एग्जामिनर पूछे तो आपने बोलना ठीक है। UAE का नाम आपने लाहौर में एज ए मैनेजमेंट ऑप्शन के तौर पे नहीं लेना, वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। प्लस रेलेवेंट टू एडिनोमायोसिस, उसमें अगर कहें UAE का रोल, मैडम
the role of uterine artery embolization alone for adenomyosis is controversial. The evidence is lacking. Yes, with the fiber, it has some role, although the facility is not available in Pakistan. Endometrial ablation, yes, it could be considered, but again, it is not recommended because for the deep-seated endometrial glands, sometimes the dysmenorrhea may not be settled. दोनों का रोल कॉन्ट्रोवर्शियल है. अगर एग्जामिनर पूछे तो बात करनी है. मेरा मैं सिर्फ प्रैक्टिकली एक चीज थी इसको, या मरीना के ऑप्शन थी या हिस्टेक्टमी. उसके बाद 12 वीक यूज़र से वही बात है. हिस्टेक्टमी मैंने वर्ड बोला था. कैसे करोगी मैडम इफ एक्सपर्टिस आर अवेलेबल, लैप्रोस्कोपिक असिस्टेड हिस्टेक्टमी और वजाइनल हिस्टेक्टमी एंड टोटल एब्डोमिनल, वो तीनों बातें वैसे ही बोलेंगे विद कंजर्वेशन ऑफ ओवरी. जी ठीक. डॉक्टर नताशा एक और बात कहते हैं कि जो लाहौर में एग्जाम कंडक्ट होता है उनकी इन्वेस्टिगेशन फोल्डर में पीटी और एपीटीटी पड़ा होता है. तो हमने तो यही पढ़ा है कि पहले हमने प्लेटलेट्स पूछने हैं, अगर वो कम है तो फिर हमने एपीटीटी है. तो हमने यही वाला एपीटीटी किसी सूरत नहीं, पीटी एपीटीटी किसी सूरत नहीं कराना. इस पर तो बड़ी बहस चल चुकी है. पीटी एपीटीटी सिर्फ प्लेटलेट रिड्यूस हो तो, वरना नो रोल ऑफ पीटी एपीटीटी. ओके थैंक यू सो मच मैम नताशा. अगर पेशेंट का हिस्ट्री में कह रही है कि पेप्सिमियर मेरा कोई भी नहीं हुआ है और हम जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस वक्त हमें पेप्सिमियर लेना है या फिर जस्ट पूछना है? पेप्सिमियर जरूर लेना है, जरूर लेना है. हमने पेप्सिमियर करने के नंबर होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना आपने. ओके पैप्समेंट इज मस्ट करना है. और मेरी बात सुनिए, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन एचएमबी की क्या बनी? नंबर वन पैप्समेंट, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग रिपोर्ट इफ अवेलेबल, बस ये दो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन और थायराइड. अब तुम लोगों को नींद कभी कोई उठा के पूछे भाई मुझे बताओ एचएमबी की बेस लाइन तो पता है सबको, ब्लड ग्रुप सीबीसी एंड ब्लड शुगर फास्टिंग, अगर नहीं तो टाइम रैंडम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटी एचसीडी और मिडस्ट्रीम यूरिन, ये तो बेसलाइन रटी नहीं है मुझे. अब आपसे पूछे ना कोई अपनी एक जो दो तीन फ्रेंड्स का ग्रुप बना है ना वो प्रैक्टिस क्या करो. चलो तुम उसे रैंडम कोई मॉक करो, यार बताओ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या मांगोगे अगर पेशेंट 12 अगर यूटरस 14 वीक साइज तक किया. मैं मांगूंगी पैप्समियर एंड आई विल आस्क एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इफ डन एंड थायराइड टीएसएच. यार ये तुम मुझे बताओ, हर वक्त एक दूसरे का इस तरह से मॉक करते रहोगे तो तुम लोग अब ये तीन बातें रट चुकी हैं. इसके साथ कोई फंडोस्कोपी हाइपरटेंशन आ जाए तो रीनल फंक्शन टेस्ट और फंडोस्कोपी, हाइपरटेंशन आ जाए डायबिटिक आ जाए रीनल फंक्शन टेस्ट और फंडोस्कोपी. ईसीजी आपने ईसीजी नहीं मांगी, यस मैडम माय पेशेंट इज नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक हिस्ट्री ऑफ एनी चेस्ट पेन सो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट आस्क. क्योंकि कुछ लोग कराते हैं हाइपरटेंशन, मैं मेरे पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज है तो ईसीजी कराऊंगी, फिर आपको भी कराऊंगी. सिर्फ हाइपरटेंशन ईसीजी, अगर फिजिशियन चाहेगा तो करा लूंगी मैडम, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट आस्क. प्लस कह देना मैडम मेरे पेशेंट की हुई भी नहीं थी तो मैंने नहीं कराई. डॉक्टर नताशा जैसे ये अभी केस डिस्कस हुआ तो इसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियल थिकनेस का पूछेंगे फिर इस पेशेंट में? नहीं, मैं बता रही ना मैंने सैंपलिंग करनी ही करनी है. थिकनेस का मुझे थिकनेस नहीं चाहिए, मैं थिकनेस वाले ग्रुप में नहीं हूँ. जो इसको थिकनेस चाहिए उसमें भी आपको कल मैंने बताया था, आपसे एग्जाम में पूछा आपने थिकनेस नहीं मांगी. यस मैडम एक्चुअली द थिकनेस इज यू आर वेरी राइट. Endometrial thickness is required in postmenopausal case when there is a cut off in my patient, as this patient is this, she is giving me history HMB and this is my provision as adenomyosis. There is a risk of 1% chance of having endometrial carcinoma. I want you to rule out the endometrial pathology. I want to know the endometrial sampling report. So that is that whatever the thickness it is, I need sampling. Mujhe thickness chahiye nahi. So ye puri samheed baan ke usko jawab do. Ye nahi. Aapne endometrial thickness karani hai? No, madam. Maine nahi karani. No or yes ka jawab nahi dena. पूरी तमहीज बताओ मैडम मेरे पेशेंट ये है, मैंने यूं करना, मैंने यूं करना. फिर इसके अल्ट्रासाउंड में सिर्फ डॉक्टर इसके अल्ट्रासाउंड में फिर हम उसकी यूट्रस की मॉर्फोलॉजी और यूट्रस की साइज और पेल्विक अल्ट्रासाउंड फॉर यूट्राइन साइज, यूट्राइन पैथोलॉजी एंड एडेनेक्सल पैथोलॉजी एंड एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी. पेल्विक अल्ट्रासाउंड फॉर यूट्राइन साइज एनी यूट्राइन और एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी एंड एनी एडेनेक्सल पैथोलॉजी, बस क्लीन. मायोमेट्रियल एक्रोटेक्चर पूछना तो पूछ लो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है. मैं नहीं पूछती वैसे ऐसे अलग से. बहुत सी बातें अच्छी भी थी. एक सेकंड नबीहा की अच्छी बातें थी. शी वाज गुड प्रेजेंटेशन, उसकी गुट्टी है, मेहनत करेगी तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगी, बस मेहनत की बात है. जी बोलो मैडम. कॉन्सेप्ट है उसकी जस्टिफिकेशन प्लीज बता दें. केस में तो ये था ना कि इररेगुलर ब्लीडिंग थी, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग
जैसे कल का फाइब्रॉइड का केस था, एचएमबी विद फाइब्रॉइड, वो फाइब्रॉइड ही निकला था एडिनोमायोसिस। मेरे पेशेंट में फाइब्रॉइड है या एडिनो, मेरे दो डीडी थे, मेरे दो डीडी थे, उन दोनों डीडी की मेरी फर्दर प्लानिंग, क्योंकि मेरा प्रोविजनल एडिनो था और दूसरा मेरा फाइब्रॉइड था, दोनों के मेरी प्लानिंग में उसकी पीएच थी, क्योंकि मैंने पेशेंट से डिस्कस कर लिया था, उसको एक तो प्रॉब्लम थी कि वो 6-6 महीने का फॉलोअप नहीं ले सकती, जिसकी वजह से मैंने इसकी टीएच करनी थी, और अगर मैंने टीएच करनी है वैसे ही मुझे सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले पेशेंट की सैंपलिंग करनी है, क्योंकि आई एम लीविंग द ओवरीज, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी को मुझे रूल आउट करना था। ठीक है मैम, मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं। एक तो अगर ये पेशेंट एचसीवी पॉजिटिव है तो उससे रिलेटेड मुझे नहीं केस में हाँ कौन से क्वेश्चन पूछने होंगे जो एचसीवी पॉजिटिव लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर मैं नहीं बता, वैसे मैं तुम लोगों के हिसाब से आगे जाके एचसीवी पॉजिटिव भी कोई पेशेंट कर दूंगी, मैं सब चीजें कवर करूंगी। एचसीवी पॉजिटिव में लिवर अल्ट्रासाउंड, अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड फॉर लिवर एकोटेक्चर, कोएगुलेशन फॉर फाइल फॉर पीटी एपीटीसी एंड लिवर फंक्शन टेस्ट फॉर सीरम बिलिरुबिन एएलसीएसटी, ये पूछ दूंगी। अच्छा मैम, अगर पैप्स वेयर लाइक पेशेंट इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग पॉजिटिव है, मैंने जब एग्जामिनेशन किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी पैप्स वेयर, और ये मैं जस्टिफाई करूंगी एग्जामिनर के सामने? नहीं जी, मैं कहूंगी मैडम ऑल्दो माय पेशेंट इज ब्लीडिंग आइडियली द पैप शुड बी टेकन ऑफ व्हेन द पेशेंट इज हैविंग नो ब्लीडिंग, बट शुड आई प्रोसीड फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, और मैं करूंगी, आई डिड इट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, आई डिड इट। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक थर्ड क्वेश्चन, मैंने पेशेंट से डिस्कस किया माइरीना एंड हिस्टरेक्टोमी, हिस्टरेक्टोमी इज अ डेफिनेट डायग्नोसिस एंड मैं ट्रीटमेंट की तरफ जा रही हूँ हिस्टरेक्टोमी की तरफ, पेशेंट मुझे क्या कहती है एग्जामिनर के सामने कि मैंने हिस्टरेक्टोमी नहीं करानी, मैंने बच्चादानी नहीं निकलवानी, तो फिर उस सूरत में मैं एग्जामिनर को अपनी मैनेजमेंट अपना मैं अगर मेरा मरीज कह दे तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, जो वो कहेगी वही करूंगी, डिपेंड करता है कि वो जो कह रही है उसमें कोई लॉजिक है, उसमें अगर कोई लॉजिक है मैं बिल्कुल वही करूंगी। जैसे कि ये मरीज है, माइरीना रखवाना चाहती है, जरूर रख दूंगी, और माइरीना रखने से पहले मैं उसको ये कह दूंगी कि उसमें ये चांस है कि आपकी डिस्मेनोरिया मे बी नॉट सेटल, प्लस देयर इज अ स्लाइटली रेज्ड रिस्क ऑफ एक्सपल्शन, बट स्टिल इफ माय पेशेंट वांट्स टू गो फॉर माइरीना आई विल डेफिनेटली गो, आई एम हियर फॉर हर फॉर फॉलो अप, शी इज विलिंग, जब वो विलिंग है तो मैं फॉलो अप भी कर लेगी, वो जरूर जो क्वेश्चन कहेगी वही करूंगी। एग्जामिनर तो ये कहता है छोड़ो पेशेंट को, तुम बताओ क्या करोगी, एग्जामिनर ये कहता है, पेशेंट अगर कह दो फिर तो बात ही खत्म हो गई। डॉक्टर अगर पेशेंट एक सेकंड प्लीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तुम लोग कह रहे हो मैंने सैंपलिंग कर रही हूँ, मैं हर चीज किस बेस पे कर रही हूँ, मेरे मरीज से मैं बात करके आई हूँ, अगर तुम लोग आगे से ये कहो सैंपलिंग कर दो, वो एग्जामिनर क्या तुमने किसने क्या उसने टीएच करानी है, वो तो तुमने कह है, वो तो वो तुम लोगों का पूरा उल्टा पड़ जाएगा तुम पे, वो मैं पेशेंट से पूछ के आई हुई हूँ अपनी सीट पे बैठने से पहले कि मैंने पेशेंट से पूछ लिया तो क्या चाहिए, ये दोनों ऑप्शन था, मेरे मरीज ने टीएच कही है तो मेरा वर्कअप ये चल रहा है, अगर तुम लोग पूछे बगैर बैठोगे तो एग्जामिनर कहेगा आप माइरीना रखें, आपका पेशेंट तुम्हें भी चाहे ना, फिर आपने क्यों इतनी सैंपलिंग कराई। मैडम यू आर वेरी राइट, इफ माइरीना इज एन ऑप्शन, माय पेशेंट इज एचएमबी, देयर इज अ वेरी स्लाइटली चांस ऑफ हैविंग एन एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, यस आई विल काउंसल माय पेशेंट, आई विल गो फॉर माइरीना, ये रिस्क एक्सप्लेन करने पे, तब I may be considered not opting taking the biopsy, endometrial biopsy may be considered कि वो ना ली जाए, क्योंकि HMB में हमें उसके अलावा इसका कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ठीक है, तब ये अदरवाइज डिस्कशन हो जाएगी। तो बात तो वही है, आप उस सीट पे बैठने से पहले अपना प्लान लेके जाएं। हाँ जी और क्या आखिरी सवाल बताओ सायरा, हाँ बोलो डॉक्टर, जैसे आपने कहा पेशेंट मना कर रही है हिस्टेक्टोमी के लिए, ठीक है पेशेंट ने मना कर लिया, क्या हम उसे वजह पूछ सकते हैं कि उसके माइंड में क्या है, वो क्यों मना कर रही है वो हिस्टेक्टोमी के लिए, मे बी उसके उसके जहन में कोई मिसकॉन्सेप्ट हो या कोई ऐसी बात हो, तो हम उसको वहीं पे कर सकते हैं, पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो, बिल्कुल पूछ, क्योंकि डॉक्टर इतना टाइम बचे जरूर पूछ लो, मेरी बात सुनो, एडिनोमायोसिस का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हिस्टेक्टोमी है, तुम चाहती हो कि मरीज हिस्टेक्टोमी ना कराए, जबकि वो बेहतरीन तरीका है, उसका इलाज हिस्टेक्टोमी है, अपनी अम्मी हो तुम्हारी एडिनोमायोसिस हो तो उनका हिस्टेक्टोमी नहीं करोगी, तुम मरीना रखोगी, उस मरीना का बल्कि एडिनोमायोसिस को कम्प्लीटली 50% चांस है कि एडिनोमायोसिस में मरीना सक्सेसफुल हो, एक तो तुम्हारी पेशेंट ने तुम्हारा मसला हल कर दिया, पर तुम उससे पूछना चाह रही हो तुम क्यों हिस्टेक्टोमी करा रही हो, बेवकूफी है ना ये तो, मैं वो चाह रही, मेरा मरीज वो चाह रहा है जो मैं कराना चाह रही हूँ, इससे बेहतर स्मार्ट कैंडिडेट बनो, तुम्हें तो चाहिए वो हिस्टेक्टोमी कराए, तुम्हें तो चाहिए, बात वही है ना, तुम लोग का माइंड क्या खुद क्या कहता है, अगर माइंड एक पेशेंट मायोमेक्टोमी चाह रही है और 35 इयर्स ऑफ एज है, वो तुम कहो नहीं यार तुम हिस्टेक्टोमी क्यों नहीं चाह रही, भाई मैं भी चाहती हूँ मायोमेक्टोमी पे जाए,
35 पे वो हिस्टेरेक्टमी चाह रही है, तो वो यार ये बात है जिसमें मैं आपसे पूछूंगी तुम क्यों हिस्टेरेक्टमी चाह रही हो? तो ये तो जब मेरी मैनेजर मरीज के साथ मिल रही है, मुझे क्या पड़ी है मैं उससे पूछूं कि यार तुम क्यों हिस्टेरेक्टमी चाह रही हो? मैं खुद नहीं हूं हिस्टेरेक्टमी करने में इंटरेस्टेड हूं। हाँ डॉक्टर नताशा, मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ? क्या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हो सकती थी? मैम इस पेशेंट में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी हमारी डीडी में हो सकता था क्या? हो सकता है, पर 12 हफ्ते का यूट्रस हाइपरप्लेजिया होता नहीं है यूजुअली। यूट्रस बढ़ गया ना आपका, यूट्रस क्यों बढ़ा? 12 वीक्स यूट्रस तो मे भी कोएग्जिस्टेंट हाइपरप्लेजिया, और हाइपरप्लेजिया यूजुअली रेगुलर बीटी के साथ करता है। तो एचएमबी में ज्यादातर फाइब्रॉइड और एडिनो आता है, अगर इरेगुलर होता तो मैं हाइपरप्लेजिया डालती विद एडिनो या फाइब्रॉइड। अकेला 12 वीक्स यूट्रस नहीं बढ़ता, हाइपरप्लेजिया तो देखो यूट्रस के अंदर मसला है, तो उसमें 12 वीक्स यूट्रस क्यों है? अच्छा डॉक्टर नताशा, ये कल वाला जो हमारा केस था एचएमबी वाला, उसने 2 सेंटीमीटर का हाइपरप्लेजिया किया था, हाइब्रिड था, तो हमने HP7 करके तो हमने इसमें मारीना पे डिस्कशन की थी कि इरेगुलर ब्लीडिंग कॉज करती रहेगी तो हम जाएंगे हिस्टेरेक्टमी की तरफ। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर 41-42 ईयर्स की एज पर आपके पास 4x5 सेंटीमीटर का फाइब्रिड आ जाता है और सेम कल वाला हिसाब ही था, उसी HP7 तक चली जाती है, तो हम वहां पर मायोमेक्टमी को ज्यादा फेवर, क्योंकि 41 से 45 तक थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, 45 से ऊपर आप ठीक है हिस्टेरेक्टमी तक चले जाते हैं। तो अगर आपके पास 5x6 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है 41 से 45 ईयर्स तक और सेम HP7 तक ड्रॉप करती है HMB है, तो किस चीज को ज्यादा फेवर करना चाहिए? हिस्टेरेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, फाइब्र मायोमेक्टमी ना करते हुए हिस्टेरेक्टमी। मायोमेक्टमी मैं क्यों नहीं करूंगी तो मैं वो बताऊंगी मैंने क्यों मायोमेक्टमी नहीं किया, मैं हिस्टेरेक्टमी कर दूंगी। ये वही बात है ना जिसपे मेरा मरीज अभी जिसने सवाल किया था कि मेरा मरीज अगर हिस्टेरेक्टमी चाह रहा है, वो मैं उससे पूछू तुम क्यों चाह रही हो? भी मैं भी चाह रही हूँ हिस्टेरेक्टमी कराए क्योंकि 4-5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, मैं मायोमा निकालू रिकरेंस होगी तो इस ये फाइब्रॉइड का केस है, तुम लोग फाइब्रॉइड के केस में इसको डिस्कस करेंगे। 0.2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से नहीं ग्रो करता, देखिए अगर 41 से 45 कितनी ही रिकरेंस हो जाएगी जब वो पेरिमेनोपॉज में भी चली जाएगी। तो तुम्हें मैं इसकी जबरदस्त लाइनें बताऊंगी फाइब्रॉइड में, वेट फॉर द फाइब्रॉइड, आई विल टेल यू द बेस्ट लाइंस इंशाल्लाह ताला कि मैं इसमें आपने अपने इंसिडेंसेस को कैसे घुमाना, ये इंसिडेंसेस घुमाना होता है आपने, कि मैं उसको बताऊंगी कि 50% रिकरेंस है इन 5 ईयर्स, मतलब 41 एज पे मैं कर रही हूँ 50% रिकरेंस 5 ईयर्स में, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 46 पे दोबारा फाइब्रॉइड बन गया, दोबारा करो CH, 50% रिकरेंस है इन 5 ईयर्स, चॉस। लेकिन तब तक तो पेरीमेनोपॉज भी अचीव हो ही जाता है मोस्टली। आर यू श्योर अबाउट इट? आर यू श्योर? वी आर नॉट श्योर। नो आई एम नॉट, ये ना वी आर नॉट श्योर, तो जब चीज का एक श्योरिटी नहीं है तो उसको अपनी फेवर में यूज करो किरण, चीजों को ना वही बात है, आप चीजों को अपनी फेवर में यूज करना सीखो कि क्या चीज आपकी मरीज की आपके फेवर में जा रही है। जैसे कि इस पेशेंट में अगर मरीज हिस्टेरेक्टमी ना कराना चाह रही होती ना तो मुझे ये डिफिकल्ट केस था कि मैं मरीना पे उसको कैसे मनाऊं, मरीज इतनी अच्छी हिस्टेरेक्टमी चाह रही थी तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उसको मरीना पे मनाऊं, मरीज भी मान गई मैं भी TH चाह रही हूं, जब मरीज और मेरी मैनेजमेंट मिल रही है तो मुझे उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 42 ईयर्स ऑफ एज पे मरीज का फाइब्रॉइड यूट्रस है, वो मायोमेक्टमी चाह रही है, मैं हिस्टेरेक्टमी चाह रही हूँ, वो मायोमेक्टमी चाह रही है, मैं तुम्हें ये केस भी बताऊंगी कि तब उसकी मायोमेक्टमी क्यों करनी है, ये केस टू केस वेरी करेगा। ओके सो दैट इज एंड ऑफ डिस्कशन। नबीहा ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी उसके हिसाब से बहुत अच्छी थी, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही होते हैं सारे फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वी विल सी कि इस तरह के मॉक्स हम करें, लेकिन इट डिपेंड्स के कैसे चलता आगे सेशन। ओके आई विल अपलोड इट इंशाल्लाह सून। पूछो पूछो मैडम, ये जो 4 पॉइंट्स द प्लान के MDT, करेक्शन ऑफ एनीमिया, एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, देन TH, इसमें जब हमने करेक्शन ऑफ एनीमिया बताना है तो उस दौरान हम उसे बताएं, इसी मैनेजमेंट प्लान में ही हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हम उसको साथ में एमिनोरिया क्रिएट करने के लिए भी कुछ देंगे? नहीं 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 प्लीज नहीं, एमिनोरिया क्यों क्रिएट करना, वो
एक सेकंड हेरा, एच एन बी पीरियड में ब्लीड करी है, 1 अप्रैल को ब्लीड की है, अब नेक्स्ट पीरियड तो नेक्स्ट पीरियड वाला कल वाले केस में वो एग्जामिनर सवाल करेगा, वो एग्जामिनर सवाल करेगा कि आप मुझे बताओ ये एग्जामिनर देखो 11 मिनट में ना इतना टाइम नहीं है तुम लोग इतनी चीजें कवर करो, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन होगा कि आप उसका एमिनोरिया कैसे क्रिएट करेंगे, मैडम तो मैं ट्रांसमिन पॉइंट सपोर्ट दूंगी 80% उसका एमिनोरिया हो जाएगा, मीन वेल मैं पेशेंट को ब्लड लगाऊंगी आईवी आयरन जो भी तुमने वो तुम बोलते थे वो कहेगा नहीं अच्छा तुम्हारा ट्रांसमिन से नहीं हुआ तो मैडम द अदर ऑप्शन इज आई विल गिव हर द डिस्कस ऑप्शन ऑफ जीएनआर जो कि बोलते जाओ ये एग्जामिनर के सवाल होंगे, तुम लोगों ने नहीं इसमें बोलना, और इस केस में तो मुझे एमिनोरिया क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो पीरियड्स में ब्लीड कर रही है, नेक्स्ट साइकिल में आने तक मैं उसकी टीएच कर दूंगी। नहीं मैडम मैं कल उसकी कॉन्स्टेंट, आई होप आज आप सेशन के बाद कुछ रिलैक्स हो जाए, इतना मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस करें ठीक है, विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है एग्जाम की, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, और इंशाल्लाह ताला अभी बहुत टाइम है, लोग कहते हैं इतनी देर पहले हमने ज्वाइन किया, यू पीपल हैव वेरी लेस टाइम, मेरी नींदें उड़ जाएंगे मैं तुम लोगों की जगह हूँ क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी है, तो प्लीज अभी से इन सेशंस को अगर ज्वाइन किया तो इनको मेक बेस्ट ऑफ देम, मेक बेस्ट यूज आउट ऑफ देम, ठीक है, ओके टेक केयर, ओके अल्लाह हाफिज़।